जी C Fab 6 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं, लेक्चर नंबर 11। प्रीवियस दो लेक्चर में हमने रिस्क असेसमेंट का टॉपिक कवर किया है। हमने देखा कौन कौन से रिस्क हमें फेस करना पड़ सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हुए, और उन रिस्क को एड्रेस करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। आज हम पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें पता चले जो नॉलेज हमने एक्वायर किया है क्या उसे एग्जाम क्वेश्चन पर अप्लाई करने के काबिल हो गए हैं कि नहीं। क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले कोई आपकी तरफ से क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। जी प्रोविजन फॉर लीगल केसेस के प्रोसीजर्स में एक प्रोसीजर है कि एनालाइज चेंजेस फ्रॉम प्रायर पीरियड। अगर तो कंपनी के खिलाफ डिफरेंट केसेस चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि बहुत से केसेस 8, 10, 12, 15, 20 केसेस चलते रहते हैं रूटीन में, तो वो ये कह रहे हैं कि आपने इस साल के बैलेंस शीट डेट पे जो लीगल केसेस पेंडिंग है ना, उनको पिछले साल की बैलेंस शीट डेट पे जो लीगल केसेस पेंडिंग थे उनके साथ कंपेयर करना है और देखना है कोई चेंजेस तो नहीं है। चेंजेस क्या हो सकती हैं, कुछ लीगल केसेस होंगे लास्ट ईयर में थे अब नहीं है, वो इसका मतलब है वो कौन से केसेस हैं जो एडजस्ट हो गए, ख़त्म हो गए, डिसाइड हो गए, और कुछ केसेस ऐसे होंगे जो लास्ट ईयर नहीं थे इस साल हैं, जो ड्यूरिंग द ईयर नए केसेस अराइज हुए। तो कहता है आपने जिस तरह लोन हो पिछले साल की लोन की अमाउंट और इस साल की लोन की अमाउंट में देखते हैं क्या फ़र्क है, दरमियान में मूवमेंट किस चीज़ की आई है, कितना नया लोन लिया है और कितना रीपे किया है। तो उसी तरह लीगल केसेस में भी आप ये मूवमेंट देखें कि कितने लीगल केसेस ड्यूरिंग द ईयर ऐड हुए हैं, कितने जो है वो डिसाइड हो गए हैं, क्लोजिंग में कितने हैं, ये कैसे पता चलेगा, कंपेयर करके, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में वो किसी एक लीगल केस की बात करता है फिर आप ये प्रोसीजर नहीं लिखेंगे, ये प्रोसीजर उस वक्त लिखते हैं जब कंपनी के खिलाफ मैनी केसेस पेंडिंग हो। अगर एक ही लीगल केस है उसमें आप लिखेंगे जी कंपेयर चेंज देखें पिछले साल की निस्बत इस साल कितने केसेस में चेंज आया, वो रेलिवेंट प्रोसीजर नहीं होगा। क्लियर हुई है बात, और कोई क्वेश्चन? चलिए फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस पास्ट पेपर में से सेलेक्ट किए हैं, इनको प्रैक्टिस करते हैं, हम डिस्कस करेंगे। मैंने हार्ड फॉर्म में आपके सामने है, लेकिन नज़र आ रहा है आपको? चलिए इसको डिस्कस करते हैं, और डिस्कस हम ऐसे करेंगे जैसे एग्जाम में बैठे और जिस तरीके से हमने सोचना है। चलिए जी एग्जाम में हम बैठे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने आया, ये क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया विंटर 2017 अटेम्प्ट से क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, रिक्वायरमेंट को पढ़ना है। रिक्वायरमेंट को पढ़ के क्या अंदाज़ा लगाना होता है कि किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, जो हम आप प्रैक्टिस करते हैं ना लेक्चर के दौरान में, ये टॉपिक कहाँ डिस्कस हुआ, ये टॉपिक कहाँ डिस्कस हुआ, उससे आप एग्जाम में उसका फायदा क्या, एग्जाम में बैठ के डिसाइड कर सकेगा, आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन उसने किस स्टैंडर्ड में से किस टॉपिक में से उठाया है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट में है जी आइडेंटिफाई द ऑडिट रिस्क इन द अबव सिचुएशन, ऊपर जो सिचुएशन है इसमें से ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं, एंड स्पेसिफाई द की ऑडिट स्टेप्स विच यू वुड परफॉर्म इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ, और बताइए कौन से प्रोसीजर्स हैं जो आप उन रिस्क को एड्रेस करने के लिए परफॉर्म करेंगे। इसका मतलब है पहली चीज जो आपने नोट करनी है उसने दो चीजें पूछी हमसे, रिस्क भी पूछे प्रोसीजर भी पूछे, ठीक है। सम टाइम कभी कभी किसी क्वेश्चन में सिर्फ रिस्क भी पूछ लेता, लेकिन यहां पे हम कंफर्म हो गए रिस्क पूछा और प्रोसीजर पूछा। अच्छा मुझे बताइए क्या मुझे सारे रिस्क इकट्ठे आइडेंटिफाई करके सारे प्रोसीजर इकट्ठे लिखने हैं? नहीं, पहले रिस्क उसके बाद प्रोसीजर फिर रिस्क, फिर हर रिस्क का स्पेसिफिक प्रोसीजर फिर अगले रिस्क का स्पेसिफिक प्रोसीजर, ठीक है। दो तरह की प्रेजेंटेशन है, दोनों अलाउड है। पहली प्रेजेंटेशन है ऊपर रिस्क लिखें एक्सप्लेन करें और नीचे उसके प्रोसीजर लिखें, लाइन लगा के अगला रिस्क प्रोसीजर, फिर लाइन लगा के अगला रिस्क प्रोसीजर, ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं और आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे रिस्क राइट साइड पे प्रोसीजर, ठीक है। हमने जो प्रेजेंटेशन फॉलो किया है वो ये टेबल फॉर्म वाली प्रेजेंटेशन है, यानी लेफ्ट साइड पे रिस्क राइट साइड पे प्रोसीजर। आप दोनों में से कोई भी प्रेजेंटेशन फॉलो कर सकते हैं, दोनों इक्वली करेक्ट है, दोनों को एग्जामिनर फॉलो कर रहा है, जैसी सॉल्यूशन में भी दोनों अप्रोचेस यूज हुई हैं। पर्सनली मुझे लेफ्ट राइट वाली टेबल फॉर्म वाली वो ज़्यादा पसंद है, लेकिन बहरहाल फ़र्क कोई नहीं है दोनों में, दोनों अलाउड है, ऊपर नीचे वाली भी और दाएं बाएं वाली भी।
तो हमें रिक्वायरमेंट पढ़ के ये पता चल गया कि ये रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं जी। यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ महमूद ऑटो लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2017। बताइए इस इंफॉर्मेशन से कोई रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है? अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के आपको ये पता चल रहा है कि इनिशियल ऑडिट है कि रिकरिंग ऑडिट है? नहीं, क्वेश्चन में उसने ऐसी इंफॉर्मेशन क्लियरली कोई भी नहीं दी जिससे हमें पता चले इनिशियल ऑडिट है कि रिकरिंग ऑडिट है। तो ओपनिंग बैलेंस वाला रिस्क हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दी। शाबाश। लिस्टेड कंपनी होने की वजह से हमारा क्लाइंट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, उस पर लिस्टिंग रेगुलेशंस भी अप्लाई होती हैं, उस पर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी अप्लाई होती है जो एडिशनल है, जैसे की ऑडिट मैटर वगैरह और कुछ चीज़ें। लेकिन इसकी वजह से रिस्क आइडेंटिफाई हमने नहीं करना। लिस्टेड कंपनी होने की वजह से जेहल में रखिएगा, उसके ऊपर लिस्टिंग रेगुलेशंस अप्लाई हो रही होंगी, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई हो रहा होगा, लेकिन हमने रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करना। तो पहली लाइन से कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। आगे चलते हैं। ML assembles and manufactures a wide range of motor vehicles. बहुत सी मोटर व्हीकल्स को असेंबल और मैन्युफैक्चर करता है। है मोटर व्हीकल्स ही, बहुत सी मोटर व्हीकल्स हैं। कोई रिस्क है? सेगमेंट रिपोर्टिंग उस सूरत में होती है अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती है, प्रोडक्ट एक है उसके डिफरेंट मॉडल्स है, इसमें सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं आएगी। क्या नेचर ऑफ द प्रोडक्ट आपको बता रही है कि इसके ऑब्सोल्यूट होने का, चोरी होने का, अप्रोप्रिएशन मिस अप्रोप्रिएशन का रिस्क है? नहीं। ठीक है, मोटर व्हीकल जो हैं वो कोई इतनी छोटी चीज़ नहीं है कि कोई भी आके चोरी करके ले जाए। कोई ज्वेलरी हो, डायमंड हो, इस तरह की चीज़ें अगर हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इनमें रिस्क है मिस अप्रोप्रिएशन का। मोटर व्हीकल्स में कोई रिस्क नहीं है। ये क्वेश्चन का इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है जिसमें हमें वो क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। नॉर्मली इसमें कोई रिस्क नहीं होता। हाँ, समटाइम इनिशियल ऑडिट की इंफॉर्मेशन दे उसकी वजह से रिस्क हो सकता है, समटाइम नेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स जब बताए उसमें रिस्क हो सकता है। आगे चलते, कह रहे ऑल मोटर व्हीकल्स सोल्ड बाय ML आर अंडर वारंटी अप टू ए माइलेज ऑफ 50,000 किलोमीटर। यहां तक रुकते हैं। बताइए कोई रिस्क है? yes, क्या रिस्क है? प्रोविजन फॉर वारंटी। एक तो वारंटी बाय नेचर, उसमें एस्टिमेशन इन्वॉल्व होती है, जजमेंट, उसमें रिस्क है। और अगर आगे चल के उसने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी जिसकी वजह से वारंटी का रिस्क अराइज हुआ, जिसकी वजह से हमें लगा कि इनिशियल असेसमेंट से ज्यादा वारंटी क्लेम आ सकते हैं, अगर आगे चल के उसने कोई इंफॉर्मेशन दी, हम वो भी इसके साथ ऐड कर देंगे। तो अब बताइए कि हमें वारंटी के प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने चाहिए जी। अच्छा, एग्जाम में आपने फौरन इसको अंडरलाइन कर लेना, वारंटी को फौरन प्रोसीजर लिखने शुरू नहीं कर देने, क्योंकि हो सकता है आगे चल के कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दे जो आपने इसके साथ ऐड करनी हो। ठीक है, लेकिन अभी तो मैं आपसे प्रोसीजर पूछ रहा हूँ, साथ साथ पूछता जाऊंगा। वारंटी के प्रोसीजर बताइए मेरे भाई, एग्री करते हैं रिस्क ऑफ वारंटी अराइज होगा, क्या प्रोसीजर हो सकते हैं? उसका फार्मूला मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, किस फार्मूले के तहत कैलकुलेट करते हैं, उसमें जो अजम्पशन एस्टिमेट्स यूज हुए उनकी रीजनेबलनेस देखेंगे, ईयर एंड के बाद क्लेम्स का स्टेटस देखेंगे, और एक्सपर्ट को इंगेज कर सकते हैं कि नहीं इस केस में? कर सकते हैं। शाबाश, वारंटी क्लियर जी। वैल्यूएशन ऑफ वारंटी, ठीक। नेक्स्ट, एंड आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर फ्री सर्विसेज एवरी क्वार्टर फॉर 2 ईयर्स। यानी जो गाड़ियाँ बेचते हैं, एक तो वारंटी है उनकी, और फिर एक और सहूलत दे दी उनको, फ्री सर्विसेज 2 साल तक। अच्छा बताइए, बाय वन गेट वन फ्री कभी ऑफर, अगर कोई इस ऑफर की बेस पे चीज़ें सेल करता हो, ठीक है, 1,000 रुपये की चीज़ है, बाय वन गेट वन फ्री में 1,000 रुपये में 2 चीज़ें सेल की, दिखने में लगता है एक चीज़ 1,000 रुपये की, एक चीज़ फ्री है। अकाउंटिंग और ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कंसर्ट वाला? दोनों 500 के। अब ये प्रोडक्ट बेच रहा है, सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, फ्री सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है 2 साल। 2 साल के बाद क्या करता होगा? सर्विस के पैसे लेता है, चार्ज करता होगा। अब ये बताइए, फ्री सर्विस दे रहे हैं, क्या ये एक सेपरेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, रेवेन्यू स्ट्रीम है? तो क्या करना चाहिए हमें? नहीं, रिस्क क्या है?
मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है, अगर मैं एक चीज बेच रहा हूँ 1,00,000 रुपए की और ये कह रहा हूँ बायर को कि आप 2 साल तक इसकी फ्री सर्विस करवा सकते हैं, तो मुझे सेल जो है सेल ऑफ प्रोडक्ट रिकॉर्ड करनी चाहिए या सेल ऑफ सर्विस अलहदा? दोनों दोनों, ठीक है? तो हाँ, सेल को तोड़ देंगे, शाबाश। एक होगी प्रोडक्ट की सेल और एक है सर्विस, ठीक है? तो यहां पे हमें फिर ये बाइफरकेशन करने के लिए क्या करना चाहिए जी? नहीं, आप कैसे, आपने सेल में से बेसिकली जो प्राइस है सर्विस की वो निकालनी है। काम क्या करना है, सेल के टोटल सेल में से सर्विस की प्राइस निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सर्विस के चेक करेंगे उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आती है, या कॉस्ट की बजाय उसको कितनी प्राइस पे सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर्स को, ठीक है? कस्टमर को एक दफा जब कोई सर्विस करवाने आए उसको कितनी सर्विस चार्ज की जाती है, ठीक है? वो सर्विस वो वहां से अमाउंट कैलकुलेट हो गई, फिर इंश्योर करेंगे कि वो कैलकुलेटेड अमाउंट इस सेल से एक्सक्लूड कर दी जाए, बाइफरकेट कर दिया जाए, ठीक है? और उसूली तौर पे उसे लाइबिलिटी के तहत, हाँ, ओवर द पीरियड लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है, उसे दूसरे इनकम नहीं रिकॉर्ड करना जब तक कि आप उसको रियलाइज नहीं कर लेते। लेकिन सर, हो सकता है कि जितनी भी प्रोडक्ट्स बेची हैं सब सर्विस ना दें इस बारे में, उसको कैसे करें? हाँ, जितनी भी अगर कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जिन पे सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन कुछ कस्टमर्स आते हैं वो लेकर चले जाते हैं प्रोडक्ट लेकिन सर्विस के लिए नहीं आते, सर्विस के लिए, वो फिर जब उनका पीरियड एक्सपायर होगा हम जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर कोई कस्टमर गाड़ी लेकर चले जाते हैं सर्विस करवाने के लिए नहीं आते, बहुत अच्छा, हमारे पास क्या रिकॉर्ड होगा कितनी गाड़ियां बेची और कब बेची, उस रिकॉर्ड से हम जो एक्सपायर हो चुके हमारी ऑब्लिगेशन उसको हम रेवेन्यू में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको प्रोविजन फॉर फ्री सर्विसेज का नाम देंगे। अब प्रोविजन देखिए, हम नाम जो मर्जी दे दें, हमने ये देखना है कि इसकी रिकॉग्निशन क्या होगी, क्या फ्री सर्विस जो है इसको रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड किया, क्या इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक्सक्लूड कर देना चाहिए? नहीं। कैसे रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहिए? बिल्कुल रेवेन्यू और लाइबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करना चाहिए। जो सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं वो हमारा सेपरेट लाइन रेवेन्यू आएगा, और जो प्रोवाइड अभी नहीं कर चुके जो पैसे ले लिए हैं वो लाइबिलिटी आएगी, ठीक। चलिए, यहाँ तक हमने दो रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, कौन कौन से, वारंटी और फ्री सर्विस वाला। आगे चलते हैं, फिर कह रहे हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट आर एज फॉलोस। अब देखिए, मैंने आपको बताया था वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है और फिगर्स भी दे सकता है जिससे हमने रिस्क असेसमेंट करनी है, हम दोनों से रिस्क असेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे फिगर्स आ गई। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट भी है, बैलेंस शीट भी है, पहले किस में से रिस्क आइडेंटिफाई करने चाहिए? इनकम स्टेटमेंट, शाबाश। वैसे उसकी प्रैक्टिस भी यही है कि पहले इनकम स्टेटमेंट देता है बाद में बैलेंस शीट। कहता था एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? पूरी नहीं है, उसका कुछ हिस्सा है जो हमारे काम का जितना होगा उसने दे दिया। फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल, ड्राफ्ट किसे कहते हैं? जो अभी ऑडिटेड नहीं है, जिसके ऊपर अभी साइन नहीं की, अभी ऑडिट नहीं किया, रिपोर्ट इशू नहीं हुई, ठीक है? ये छोटी मोटी टर्म्स है लेकिन चूंकि बाद में स्टूडेंट्स कुछ पूछते थे इसलिए मैं साथ साथ इनको डिस्कस कर रहा हूँ। फाइनेंशियल में प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट आर एज फॉलोस, पिछले साल की फिगर है, इस साल की फिगर है। पहला है रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स की सेल से रेवेन्यू, जी बताइए, डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, थोड़ा बहुत डिक्रीज है कि सिग्निफिकेंट डिक्रीज है? सिग्निफिकेंट। कैसे पता चलेगा कौन सा डिक्रीज सिग्निफिकेंट है? आपकी जजमेंट है। नॉर्मली 5% से ज्यादा जो उसे हम सिग्निफिकेंट ट्रीट करते हैं। सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन सेल है, मेरा ये ख्याल है कि ये कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स का रिस्क है। बताइए, एग्री करते हैं? बताइए मेरे भाई, क्यों, कौन सा रिस्क है? वैल्यूएशन, किसकी वैल्यूएशन? सेल्स किसकी वैल्यूएशन? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और वैल्यूएशन ऑफ प्लांट मशीनरी, दोनों का रिस्क है, दोनों का रिस्क। समझ आ रही ना क्यों बताया था? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्योंकि नजर आ रहा है इन्वेंट्री नहीं बिक रही, नजर आ रहा है कि नहीं, इन्वेंट्री नहीं बिक रही तो क्या रिस्क है कि ऑब्सोलीट हो गई है, एनआरवी पे आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ वैल्यूएशन ऑफ प्लांट, क्योंकि अगर
प्रोडक्ट लॉस मेकिंग है, तो जिस प्लांट से वो बन रही है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी तो कम हो गई। क्या अब हम लॉस मेकिंग प्रोडक्ट बनाने के लिए उस प्लांट को यूज़ करेंगे? प्लांट चाहे बिल्कुल ठीक है, लेकिन उससे जो प्रोडक्ट निकल रही है वो लॉस मेकिंग है, नहीं बनाएंगे। तो दो रिस्क, क्लियर होता है। अच्छा, आगे चल के अगर मुझे वो कोई रीज़न बता देता है सेल किस वजह से डिक्रीज हुई है, कोई कंपेटिटर ने मे बी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दी हो, हमारी प्रोडक्ट के बारे में कोई नेगेटिव मार्केटिंग आ रही है, कोई डिफेक्ट आ गया हो प्रोडक्ट में जो पब्लिक हो गया, कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है जो कि जिसकी वजह से पता चल रहा हो कि इसकी वजह से भी प्रोडक्ट हमारी सेल नहीं हो रही, डिमांड कम हो गई है, मुझे उसको सेपरेट एड्रेस करना चाहिए कि इसके साथ कंबाइन कर लेना चाहिए? कंबाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों की वजह से रिस्क सेम एरिया सेम अजर्शन में है। तो अगर क्वेश्चन में मल्टीपल इंफॉर्मेशन है और उसका रिस्क एक ही एरिया में आ रहा है, अजर्शन में आ रहा है, तो हम उसको इकट्ठा कर लेंगे। ये बात समझाई थी ना? एक इसका अपोजिट बात भी समझाई थी, एक इंफॉर्मेशन से मल्टीपल रिस्क हो तो वो भी लिखने हैं, और अगर मल्टीपल इंफॉर्मेशन से एक रिस्क हो तो इकट्ठा कर देना, एक इंफॉर्मेशन से मल्टीपल रिस्क हो तो अलहदा, दोनों को अलहदा अलहदा लिखना है, और अगर मल्टीपल इंफॉर्मेशन से एक रिस्क हो रहा है कंबाइन करना है। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन से दो रिस्क आ रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कैसे इंश्योर करेंगे? इन्वेंट्री जो है वो उसकी एनआरवी क्या है और वो कॉस्ट से कम है कि ज़्यादा? आफ्टर ईयर देखेंगे सेल किस प्राइस पे हुई। एक और प्रोसीजर एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री कंफर्म करने के लिए, सेल प्राइस से ये तो कंपेयर करने वाला सिंपल हो गया ना, कोई अच्छा प्रोसीजर नहीं है। कॉस्ट के लिए रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, एक प्रोसीजर हो गया, ये दो हो गए, एक कॉस्ट वाला, एक ईयर एंड के बाद सेल प्राइस। फिजिकल स्टॉक के दौरान क्या देखेंगे? डैमेज आइटम तो नहीं है, शाबाश, दो हो गए। एजिंग रिपोर्ट देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसीजर हम परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे इन्वेंट्री में चूंकि स्पेशलाइज नेचर की इन्वेंट्री नहीं लग रही, तो इसलिए हमें एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इन्वेंट्री स्पेशलाइज नेचर की होती तो फिर हम हो सकते हैं उसकी वैल्यूएशन के लिए एक्सपर्ट को इन्वॉल्व करते। फिक्स एसेट बताइए, वैल्यूएशन फिक्स एसेट के क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? फिक्स एसेट शेड्यूल क्यों करेंगे? वैल्यूएशन रिपोर्ट तब हम ऑब्टेन करते अगर फिक्स एसेट रिवैल्यूड अमाउंट पे मेजर हुआ होता। यहाँ पे फिक्स एसेट रिवैल्यूड अमाउंट पे मेजर नहीं हो रहा, यहाँ पे रिवैल्यूएशन का नहीं, इंपेयरमेंट का रिस्क है। इसमें एक्सपर्ट को हम यूज कर सकते हैं लेकिन उसे रिवैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं लेंगे, उसे रिवैल्यूएशन रिपोर्ट का कंसेप्ट ये इंडिकेट कर रहा होता है अब लफज के रिवैल्यूड एसेट्स, ठीक है। हाँ, इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, उसमें मैनेजमेंट की वैल्यू इन यूज को रिसेस करेंगे, उस कैलकुलेशन के लिए मैनेजमेंट की जो अजम्पशन एस्टिमेट्स हैं उनको रीअसेस करेंगे, रीजनेबल है कि नहीं, ठीक है। और एक्सपर्ट को इंगेज कर सकते हैं अजम्पशंस और एस्टिमेट्स और कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को वेरीफाई करने के लिए। क्लियर हो गया? यहां तक हमारे कितने रिस्क हुए भला? चार रिस्क हो गए, और उनके प्रोसीजर भी साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला रिस्क कौन सा था? प्रोविजन फॉर वारंटी, फ्री सर्विस, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ तक क्लियर है? आगे जी कंप्लीटनेस ऑफ सेल नहीं आएगा, मैंने आपको बताया था ये छोटा रिस्क होता है, इसको हमने एड्रेस नहीं करना। रिस्क प्रैक्टिकली राइज हो सकता है कि कुछ सेल्स ऐसी हो जो उसने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन एग्जाम क्वेश्चन में किसी सोल्यूशन में उसने पिछले 15 सालों से कंप्लीटनेस ऑफ सेल कर ली नहीं। ये एडजस्टमेंट उसने, ये रिस्क उसने कोई मेरा हाल है 12-15 दफा टेस्ट किया होगा, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर रहा कंप्लीटनेस का। इसकी बेस पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट की तरफ बात लेके जा रहा है। सर, इसके साथ लिंक कर सकते हैं कि वो फ्री सर्विसेज दे रहे हैं इसलिए कि इनकी ज्यादा चीजें सेल हो जाए। फ्री सर्विस इसलिए दे रहे हैं कि उनकी ज्यादा चीजें सेल हो जाए, नहीं नहीं नहीं, सिंपल डिक्रीज इन सेल से हमें कवर होता है। जो सर्विस प्रोवाइड करना इस बिजनेस की नॉर्मल प्रैक्टिस होती है व्हीकल्स की,
ठीक है। हाँ, अगर क्वेश्चन में वो ये कहता है कि सेल्स को प्रमोट करने, सेल्स को प्रमोट करने के लिए प्राइस रिड्यूस की गई है, फिर ये एक इन्फॉर्मेशन होती है हमारी जिससे रिस्क आइडेंटिफाई होता है। क्या रिस्क आइडेंटिफाई होता है इससे? अगर वो कहता है सेल्स को इंक्रीज करने के लिए लास्ट क्वार्टर में सेल प्राइस को रिड्यूस कर दिया गया, क्या रिस्क राइज होता? नहीं पढ़े नोट्स, नहीं पढ़े ना, नहीं पढ़े ना। क्या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, सेल प्राइस डिक्रीज हो या कॉस्ट प्राइस इंक्रीज हो, दोनों की वजह से वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क आता है। तो जाहिर है एनआरवी रिड्यूस हो जाएगी अगर सेल प्राइस कम होगी। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें। कॉस्ट ऑफ सेल्स में मुझे कोई बड़ा रिस्क नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो सेल्स के साथ ही चेंज हो रही है, जीपी रेशो को अलग से एरिया नहीं है कोई, इसकी रिस्क असेसमेंट हम नहीं करते। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स पिछले साल 1000 है, इस साल 1500 है। नहीं नहीं, ये सर्विस नहीं है, ये स्पेयर पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स है। वो 3S सर्विसेज होती है ना, सेल, सर्विस, स्पेयर पार्ट्स। तो सेल और स्पेयर पार्ट्स के सर्विस, नहीं नहीं, स्पेयर पार्ट्स अलहदा से, अलहदा से कंपोनेंट होता है। हाँ जी बिल्कुल, ये अलहदा से रेवेन्यू आएगा। नेक्स्ट एसेट्स की तरफ चलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्रीज है। अच्छा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में एक तो रिस्क हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं वैल्यूएशन इंपेयरमेंट का, क्या कोई और रिस्क आपको नजर आ रहा है इसमें? क्या रिस्क? एडिशंस हो रहे हैं, एडिशंस हो रहे हैं। क्या एडिशन टू फिक्स एसेट का रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है? इसके प्रोसीजर्स क्या होते थे? के मिस क्लासिफिकेशन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे एडिशन टू फिक्स एसेट्स के? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या देखेंगे? अप्रूवल कहां से देखेंगे? मिनट से। तो पूरा बोले ना, अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम मिनट्स ऑफ द मीटिंग। और एक्सपेंडिचर की लिस्ट लेके उसकी नेचर को रिव्यू करना चाहिए, ठीक है, किस लिए रिव्यू करना चाहिए? देखने के मिस क्लासिफिकेशन तो नहीं है, और एक्चुअली ये कैपिटलाइजेशन हुई है, वाकई में ये अकर हुए हैं ये सारे जो एडिशंस हैं, कैसे करें? सैंपल सेलेक्ट करके कॉस्ट को वेरीफाई करेंगे, एक स्टेप और करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन, सारे के सारे फिक्स एसेट्स की, जो सैंपल बेसिस पे भी नहीं, जो न्यूली परचेज हुए हैं उनकी सैंपल बेस पे। नॉर्मल प्रोसीजर में हम फिक्स एसेट के सारे फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं, लेकिन चूंकि हम रिस्क स्पेसिफिक प्रोसीजर बता रहे हैं तो हम कहेंगे भाईजान जो न्यूली फिक्स एसेट्स परचेज किए हैं ना उनको हम फिजिकली चेक करेंगे, उनको भी सैंपल पे लेंगे ना, वो डिपेंड करता है, अगर ज्यादा हो तो सैंपल पे लेंगे, अगर चंद एक है तो फिर उनको हम सबको भी कर सकते हैं। डेफर टैक्स रिस्क है कोई? अच्छा, क्वेश्चन में अगर उसने डेफर टैक्स की और मजीद कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई फिर भी रिस्क है? ये डेफर टैक्स एसेट है क्या लाइबिलिटी है? एसेट्स है। अच्छा, तो क्या रिस्क है मेरे भैया? रिकग्निशन का फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट है कि नहीं? प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे? मैनेजमेंट के असेसमेंट लेंगे, फोरकास्ट लेंगे फ्यूचर के बारे में, कैश फ्लो फोरकास्ट क्या है और प्रॉफिट की एस्टिमेशन क्या है, टैक्सेबल प्रॉफिट अवेलेबल है कि नहीं, एस्टिमेट्स रीजनेबल है कि नहीं, बेसिकली कैलकुलेशन पहले ले ली, उस कैलकुलेशन की एस्टिमेशन रीजनेबलनेस चेक कर ली, ठीक है। इसमें नॉर्मली एक्सपर्ट टैक्स प्रैक्टिशनर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, नॉर्मली वो करंट टैक्स वाले में। हाँ देखें, आप जो डिस्काउंट रेट वगैरह यूज़ किए हैं वो करंट जो एप्लीकेबल रेट्स हैं फ्यूचर के लिए, उनके मुताबिक ही टैक्स कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन वगैरह हो या डेफर टैक्स। इंस्टॉलमेंट सेल रिसीवेबल कोई रिस्क है इसमें? इससे पता चला है वो इंस्टॉलमेंट में भी बेचता होगा, इंक्रीज हुआ है तो क्या होता है? रिसीवेबल इंक्रीज हो तो कोई रिस्क है? क्या रिस्क है? बैड डेट्स का जी, आप बता दीजिए कोई
इंस्टॉलमेंट सेल्स में कह रहे हैं सर वो इंक्रीज हो रहा है, तो लग रहा है कि डाउटफुल हैं लोग, पैसे नहीं दे रहे, लोगों ने किस्तों पे चीज़ें ले रही हैं वो इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रहे, तो डाउटफुल डेट्स का रिस्क है, प्रोविजन फॉर बैड डेट को रीसेस करना पड़ेगा। क्या आप इस रिस्क असेसमेंट से एग्री करते हैं? तो बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? एजिंग किसकी? रिसीवेबल की, शाबाश। और कंफर्मेशन किस से? मेजर से के सबसे? मेजर से, शाबाश। और सब्सिक्वेंट क्लियरेंस देखेंगे कि रिसीट्स हो रही है कि नहीं हो रही उसी रेशो के साथ जिस रेशो से रिसीवेबल बढ़ रहा। ठीक है, चलिए ये तीन प्रोसीजर हमारे हो गए। स्टॉक इन ट्रेड रिस्क है क्या? वैल्यूएशन इंक्रीज हो गया तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क है। क्यों? तो ऑब्सोलीट का रिस्क कह रहा हूं, ऑब्सोलीट बिक नहीं रही ना, ऑब्सोलीट तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क नहीं होगा। ये स्लो मूविंग आइटम है ना, वैल्यूएशन इन्वेंट्री का रिस्क है, लेकिन मैं कुछ नहीं लिखूंगा यहां पर, हाँ सिर्फ इसको जोड़ दूंगा ऊपर वाले रिस्क के साथ, जहां डिक्रीज इन सेल के साथ वहां पे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री था ना, तो मैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को एक्सप्लेन करते हुए लिखूंगा। एक तो सेल डिक्रीज हो गया जो डिक्रीज इन डिमांड को इंडिकेट कर रही है, दूसरा हमारी इन्वेंट्री भी पाइल अप हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से भी रिस्क है कि ये स्लो मूविंग आइटम पड़ी हुई है स्टॉक में जिसको राइट डाउन करना चाहिए। प्रोसीजर दोनों के कंबाइन कर दूंगा। अदर एसेट्स कुछ नहीं बताया उसने, क्या है क्या नहीं, इसमें रिस्क असेसमेंट की जरूरत नहीं है। जी इंस्टॉलमेंट सेल रिसीवेबल सेल के साथ नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि ये डेटर का एरिया वो सेल का एरिया, दोनों के रिस्क असेसमेंट अलग अलग होगी। आपने इसमें से इसके इसको लिंक करना चाहते हैं कि सेल कम हो रही है और डेटर उसकी नस्बत ज्यादा हो रहे हैं, आप डेटर एक मिनट हारे, क्या आप ये कह रहे हैं कि सेल्स की रिस्क असेसमेंट और डेटर्स की रिस्क असेसमेंट को इकट्ठा करके एक्सप्लेन कर दें? अच्छा ये तो नहीं, शुक्र है, मुझे इसी का डर था ये ना कर। ठीक, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि सर डेटर की रिस्क असेसमेंट को सेल से डिवाइड करके उससे कोरिलेट करके एक्सप्लेन करें, ये कह रहे हैं, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था जब सेल्स की रिस्क असेसमेंट कर लें, जब डेटर पे बैलेंस शीट पे आएंगे तो फिर आपने सिर्फ उसी एरिया की रिस्क असेसमेंट करनी है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, डेटर्स, ये इसको अज्यूम कर लेते हैं ये डेटर्स है, ये बेसिकली डेटर्स ही की तरह, एक डायरेक्ट कंपैरिजन करके रिस्क असेसमेंट करते हैं और दूसरा है इनको सेल्स के साथ रिलेट करके रिस्क असेसमेंट करें, यानी डेटर्स टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करके रिस्क असेसमेंट करें। दोनों तरीके अलाउड हैं, लेकिन आपने एग्जाम में हमेशा डायरेक्ट कंपैरिजन करना है। कोई स्टूडेंट बता सकता है क्यों? टाइम बचाने के लिए, इसलिए कि डेटर टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करके रिस्क असेसमेंट करेंगे फिर भी उसी नतीजे पे पहुंचेंगे, डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे फिर भी उसी नतीजे पे पहुंचेंगे, तो फिर नाक को घुमा के पकड़ने की क्या जरूरत है, वो डायरेक्ट रिस्क असेसमेंट करते हैं। एक क्वेश्चन उसने खास तौर पे बनाया था, वो प्रैक्टिस भी करेंगे, मैंने उसको सेलेक्ट भी किया है, उसमें बेतहाशा फिगर्स थे और उसमें दो तरह के स्टूडेंट थे उस टाइम में, एक वो स्टूडेंट जो कैलकुलेशन में घुस गए क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सके वो, और दूसरे वो जिन्होंने डायरेक्ट कंपैरिजन करके इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया, एनालाइज किया और रिस्क आइडेंटिफाई किए, उनसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। तो आप तजर्बा करके देख लें, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब ब्लाइंडली फॉलो करें, तजर्बा करके देखें, डेटर टर्नओवर रेशो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करके देखा करें और देखें क्या सेम रिस्क है कि जजमेंट आपका डिसीजन सेम है कि डिफरेंट है। डिफरेंट हो तो मुझे आके कहें सर आपने तो कहा था दोनों तरीकों से सेम रिस्क होगा, यहाँ पे चेंज हो रहा नहीं होता चेंज, तो डायरेक्ट कंपैरिजन करें, क्लियर है? फौरन आपके विद इन 5 सेकेंड्स आपकी रिस्क असेसमेंट हो गई, वरना उसमें 1 मिनट लगेगा, रिस्क फिर भी सेम होगा। और एग्जाम में उसने रिस्क असेसमेंट देखनी है, प्रोसीजर देखना है, कैलकुलेशन ही देखना है। बस वही प्रोविजन नहीं, अर्ली इनवॉइसिंग के क्या उसने अर्ली इनवॉइसिंग की होगी, ठीक है वो रिस्क भी है, ठीक है मैं एग्री करता हूँ, आपने थोड़ा मजीद आगे चल के सोचा, लेकिन दोनों में से कौन सा रिस्क बड़ा है? एक है करीब का रिस्क, एक है दूर का रिस्क।
प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रीप कर, ये तो है ही है, इसको तो कोई भी आर्गू नहीं कर सकता ना कि ये रिस्क नहीं है कि पैसे रिसीव नहीं हो रहे मेरे डेटर से। वो जो अर्ली इन्वाइसिंग करके, अर्ली रिकग्निशन ऑफ रेवेन्यू करके, कट ऑफ के जरिए से हो सकता है सेल्स को बढ़ाने की कोशिश की गई, उस वजह से डेटर्स बढ़े हों, वो थोड़ा दूर का रिस्क, उसको आर्गू किया जा सकता है। लेकिन देखें सेल्स क्या सपोर्ट कर रही है, सेल्स तो कम हुई है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको आर्गू किया जा सकता है। आप अगर कहेंगे ना सर वो सेल्स को बढ़ाया इस वजह से डेटर बढ़ गया, तो मैं कहूँ सेल्स तो ऊपर कम है, ठीक है। तो इसलिए करीब का रिस्क जो क्लियरली अंडर, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है रिस्क असेसमेंट का, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा दूर जाके सोचने की जरूरत नहीं होती। स्टॉक इन ट्रेड भी हो गया, इसमें प्रोसीजर बता दिया मैंने ना, एजिंग वगैरह और ये रेंट के बाद कलेक्शन, नहीं इसमें प्रोसीजर नहीं बताया स्टॉक इन ट्रेड में, अच्छा बता दिए, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। ठीक, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ऑडिट यू केम टू नो दैट देयर हैव बीन 37 इंस्टेंसेस ऑफ सीरियस एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग न्यूली मैन्युफैक्चर्ड कार वेयर एमएल हैड टू पे कंपनसेशन एग्रीगेटिंग ₹145 मिलियन प्लस कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स अमाउंटिंग टू ₹14 मिलियन। यहां पे रुक के सोचे, वकुआ ये हुआ कि गाड़ियां जो थी उनसे एक्सीडेंट हुए, ठीक है, पर पहला एक्सीडेंट हुए तो इसने कंपनसेशन क्यों पे की? हाँ, इस वजह से कि गाड़ियों में फॉल्ट होगा, वरना कोई कंपनसेशन थोड़ी पे करता एक्सीडेंट पे, वो कहता ड्राइवर एक्सीडेंट हो या ड्राइवर का फॉल्ट है या गाड़ी का फॉल्ट है, कंपनसेशन पे किया क्या इंडिकेशन मिल रही है, गाड़ी का फॉल्ट है। अच्छा 37 एक्सीडेंट हो गए, क्या रिस्क है कि मजीद भी होंगे जो हमें नहीं पता, या ये रिस्क है कि मजीद और होंगे? चलिए अब इसमें दो रिस्क मुझे नजर आ रहे हैं बड़े, अगर आपके जहन में कोई और रिस्क हो तो वो भी शेयर कीजिएगा। पहला रिस्क लिटिगेशंस का, कि जिन लोगों ने एक्सीडेंट हुए हैं, जानी माली नुकसान हुआ है, वो लीगल केसेस फाइल करेंगे। और दूसरा वारंटी क्लेम का, कि जिन लोगों की गाड़ियां अभी एक्सीडेंट नहीं, जिनकी एक्सीडेंट हुए हैं वो तो लिटिगेशन की तरफ जाएंगे, और जिनके अभी एक्सीडेंट नहीं हुए खबर पहुंची होगी वो एक्सीडेंट होने का इंतजार करेंगे कि गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे इसको ठीक करें। तो इसका मतलब है वारंटी क्लेम बढ़ेंगे और लिटिगेशंस बढ़ेंगे। वारंटी क्लेम मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्यों भला, ऊपर मैंने, हाँ मैं इस इंफॉर्मेशन को जोड़ दूंगा उसके साथ अपनी रिस्क असेसमेंट को सपोर्ट देने के लिए, उसको मजीद स्ट्रांग करने के लिए, लेकिन दोबारा प्रोसीजर नहीं लिखूंगा, लिटिगेशन वाले प्रोसीजर मुझे लिखने पड़ेंगे। लिटिगेशन के भाई, लिटिगेशन कंपनी के खिलाफ है, कितने पे कर, 145 मिलियन पे कर चुका है, और भी हो सकता है पे करनी हो, प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए कि फर्दर कोई अमाउंट अगर पे कर सकता है तो प्रोसीजर क्या होंगे, लॉयर से कंफर्मेशन, शाबाश, बोर्ड मीटिंग के मिनट से क्या मिलेगा हमें, ठीक है। और मैं इस प्रोसीजर में मैं बहुत ज्यादा मुतमिन नहीं हूँ, लेकिन चले लिख सकते हैं कि उसने प्रोविजनिंग की बेसिस डिस्कस की होंगी, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट्स इंस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, ये अच्छा प्रोसीजर है। डिस्क्लोजर की एडिक्वेसी, डिस्क्लोजर या प्रोविजन जो भी अप्रोप्रिएट है हमारे प्रोसीजर्स के नतीजे में वो देखेंगे, और रेगुलेटरी एक्शन लिया जा सकता है, हो सकता है गवर्नमेंट के भाईजान इसके तो लाइसेंस कैंसिल करो, इसकी गाड़ियां नहीं चलती सही, सब्सिक्वेंट, हाँ ये भी अच्छा प्रोसीजर है, ये रेंट के बाद सब्सिक्वेंटली क्या देखेंगे, कितने केसेस फाइल हुए हैं, क्योंकि IS-10 के मुताबिक जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है अकाउंटिंग की, एडजस्टिंग इवेंट, शाबाश, क्या अखबार वगैरह पढ़ने चाहिए हमें? क्यों पढ़ने चाहिए, उसमें उसमें क्या होगा, डिसीजन नहीं, हाँ उसमें लीगल केसेस के बारे में, एक्सीडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, बिल्कुल ठीक है। तो ये प्रोसीजर क्लियर हो गए। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा रुक के मैं चाह रहा हूँ आप एनालिटिकली भी सोचते जाएं, हमने कितने रिस्क आइडेंटिफाई किए थे मैं भूल गया, जरा मुझे बताइए। सबसे पहले हमने किया था वारंटी का, फ्री सर्विस का, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का, 3 वैल्यूएशन ऑफ
फिक्स एसेट का 4, वैल्यूएशन ऑफ डेटर्स का 5, एडिशन टू फिक्स एसेट 6, डेफर टैक्स 7, डेटर्स इंस्टॉलमेंट शेयर रिसीवेबल 8, लिटिगेशन 9, ठीक है 9 रिस्क हो गए। अच्छा आगे चलिए, कह रहा है एन इन्वेस्टिगेशन टू मैटर हैज रिवील्ड दैट 15 सच एक्सीडेंट्स वर बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ ब्रेक्स, द मैनेजमेंट हैज अश्योर्ड यू दैट द फॉल हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड एप्रोप्रिएट करेक्टिव मेजर्स हैव बीन टेकन इन दिस रिगार्ड, हाउएवर यू हैव नोटेड दैट द एंटायर कंपनसेशन अमाउंट इज बीइंग शोन एज रिसीवेबल फ्रॉम अ सप्लायर हु हैज प्रोवाइडेड द ब्रेक सिस्टम। जी क्यों नो क्यों? ये कंटिंजेंट रिसीवेबल को रिकॉर्ड किया है, लेकिन कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? कंफर्मेशन भेजेंगे किसको? सप्लायर को। हाँ भाई मानते हो कि नहीं मानते? और एग्रीमेंट पढ़ेंगे कि क्या उसने इस तरह की कोई डैमेज क्लास ऐड की थी, और शेयर एंड के बाद कोई कलेक्शन मिली है इससे, ठीक है वो भी देखेंगे हम इनसे, और प्रोविजन या कंटिजेंसी जो भी है वो एडिक्वेट रिकॉर्ड की गई है कि नहीं, एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर या पर, क्लियर। 10 रिस्क हमने आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। मार्क्स कितने थे? 20। आपके ख्याल में 20 मार्क्स में, अब ये एक अहम जजमेंटल डिसीजन है, कितने को रिस्क आइडेंटिफाई करने चाहिए इंक्लूडिंग प्रोसीजर्स? 10। अच्छा, जो एवरेज मार्किंग स्कीम है ना वो कुछ इस तरह की है कि एक रिस्क को आइडेंटिफाई एक्सप्लेन करने का एक नंबर, और प्रोसीजर जो हैं उनका, 3 प्रोसीजर मैंने स्टैंडर्ड आपको बताए हैं, एक प्रोसीजर का आधा नंबर, यानी रिस्क और प्रोसीजर्स बताने का 2.5 नंबर। तो ये एक रूल है, सम टाइम किसी रिस्क में ज़्यादा प्रोसीजर भी हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं, सम टाइम 4 भी हो सकते हैं, सम टाइम 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एक रफ सा एस्टीमेट बताया आपको बताने, असेस करने के लिए कि एग्जाम में आपने कितने कम अज कम मिनिमम, ज़्यादा जा सकते हैं, कम अज कम कितने रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं। आपने जितने मार्क्स होंगे उन्हें 2.5 से डिवाइड कर देना है, 2.5, 20 को करके देखें जरा क्या आता है। इसका मतलब है आपने कम से कम 8 रिस्क और प्रोसीजर जरूर बताने हैं, उसमें किसी हर एक के लाजमी नहीं 3-3 प्रोसीजर, किसी के 2 किसी के 4 भी होंगे, लेकिन एवरेज ये चलेगी हमारी, 8 कम से कम रिस्क आपने जरूर बताने हैं। तो 8 रिस्क डिस्कस कर लिए हमने, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। जी स्पेयर पार्ट्स की सेल में रिस्क क्यों नहीं आइडेंटिफाई किया, उसमें क्या रिस्क है? स्पेयर पार्ट की सेल तो बढ़ रही है, इंक्रीज, और आप कौन सा रिस्क ओवर स्टेटमेंट का करना चाहते हैं? इसमें कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं ओवर स्टेटमेंट का, लेकिन वो मुझे कोई इतना सिग्निफिकेंट रिस्क नहीं लगा। अच्छा बल्कि इससे एक चीज और सुन लें, सम टाइम एग्जाम में ऐसा होगा कि आपको लग रहा होगा कोई रिस्क है, ठीक है वो रिस्क होगा भी, लेकिन हम इंटेंशनली उसको स्किप कर देते हैं, उस रिस्क को नहीं पकड़ते, क्यों भला? क्योंकि जो से ज्यादा अच्छे रिस्क है, जो से ज्यादा बड़े रिस्क हैं, जिनके बारे में हम श्योर हैं, हम उनको प्रेफरेंस देंगे। इसीलिए चूंकि मेरे पास बाकी रिस्क अच्छे आ गए थे, मैंने इंस्टॉलमेंट से जो सेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स है इसमें ओवर स्टेटमेंट के रिस्क की तरफ तवज्जो नहीं दी, लेकिन अगर मुझे एंड पे जाके पता चलता मेरे पास 7 रिस्क है, फिर मैं वापस आके इस रिस्क को पकड़ लेता। इसीलिए एग्जाम में सजेस्टेड अप्रोच क्या है, पहले रिस्क असेसमेंट का पूरा क्वेश्चन पढ़ें, 1, 2, 3 लिखते जाएं, ये पहला रिस्क, ये दूसरा रिस्क, ये तीसरा रिस्क, ये चौथा रिस्क, और एंड पे जाके देखें, अगर मार्क्स के लिहाज से आपके पास बड़े अच्छे रिस्क आ जाते हैं तो फिर ठीक है अपना क्वेश्चन शुरू कर दें, अगर पूरे रिस्क पूरे नहीं होते फिर क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, और अब की बार जो छोटे रिस्क होंगे उनको भी पिक करते जाएं, ठीक है? ये अब आपकी जजमेंट होगी,
एग्जाम में, और नॉर्मली बड़े रिस्क मिल जाते हैं, नॉर्मली क्वेश्चंस में बड़े रिस्क मिल जाते हैं, तो इस तरह के छोटे मोटे रिस्क को हम इग्नोर कर देते हैं। क्या अगर वारंटी के बारे में एक जगह पे इन्फॉर्मेशन दी है और दूसरी जगह पे उसने दोबारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, तो आपने रिलेट करना है उसको। नहीं 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 नहीं, नीचे ऊपर ही लिखेंगे, ऊपर जहाँ पे पहली दफा आपने वारंटी को डिस्कस किया ना, उसके साथ आप जब इसके रिटर्न क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको अंदाजा होगा रिस्क एक्सप्लेनेशन में आपके पास कुछ थोड़ी सी जगह बच जाती है, क्योंकि प्रोसीजर वाला इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, रिस्क की एक्सप्लेनेशन कम छोटे सेंटेंस के साथ भी कंप्लीट हो जाती है, तो आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और वैसे भी एहतियातन जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे ना, तो आपको पता होगा ये ऊपर वारंटी का रिस्क है, नीचे ये दूसरी इन्फॉर्मेशन भी है जो इसको लिंक कर रही है, आप जब ऊपर एक्सप्लेन कर रहे होंगे ना तो साथ ही नीचे से भी उसको लिंक कर लेंगे। मैं तो चूंकि आपको साथ साथ क्वेश्चन को लेकर चलता हूं, तो आगे इन्फॉर्मेशन है इसलिए उसको बाद में बताया। जब आप एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इस रिस्क के बारे में इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ डिस्कस हुई है, तो एक ही दफ़ा सारी इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके मर्ज कर। और की क्वेश्चन जो क्या चीज है, प्रोडक्ट फेलियर है क्या, जो ब्रेक फेलियर है इसकी वजह से एनआरवी ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क आ सकता है क्या, आ सकता है क्या, इसको ऊपर वाले जो हमने वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या उसके साथ लिंक कर सकते हैं? बिल्कुल लिंक कर सकते हैं, बल्कि फिर उससे तो हमें एक स्पेसिफिक प्रोसीजर भी मिल जाएगा कि हम देखेंगे उसको ठीक करने के लिए उसके ऊपर फर्दर कितनी रिपेयर कास्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है, उस रिपेयर कास्ट को एनआरवी की कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। चलिए, अच्छा ये था हमारा एक क्वेश्चन, अब इसके बाद थोड़ी सी 3 मिनट की ब्रेक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समर 2018 का, साकिब शौकत एंड कंपनी। अच्छा फिजिकल क्लास में हमने एक एक्सरसाइज किया है छोटी सी, कि मैंने स्टूडेंट को कहा कि रीडिंग करने के लिए आप इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और इसमें से अपनी असेसमेंट की बेस पे सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई कर दीजिए, उनको अंडरलाइन कर दीजिए या 1, 2, 3 लिख दीजिए। जो ऑनलाइन वाले हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए भी मेरी यही सजेशन है कि आप डिस्कशन को आगे सुनने से पहले पास करके इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और इसमें खुद से पहले रिस्क आइडेंटिफाई कीजिए, अंडरलाइन करें या हर रिस्क के साथ जो जो आइडेंटिफाई हो 1, 2, 3 करें। एक दफा आपने क्वेश्चन को गो थ्रू किया होगा, उस पर थोड़ा बहुत सोचा होगा, तो डिस्कशन ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ, सबसे पहले क्या करना है, रिक्वायरमेंट पढ़नी है, शाबाश। रिक्वायरमेंट में हम आए, हमने देखा, कह रहा है आइडेंटिफाई द ऑडिट रिस्क इन द अबव सिचुएशन एंड स्पेसिफाई द की ऑडिट स्टेप्स। ये की ऑडिट स्टेप्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स हैं विच विल परफॉर्म इंस्पेक्ट देयर ऑफ। मार्क्स कितने हैं, 20, तो ज़रा मुझे एक रफ सा एस्टीमेट बताइए कितने रिस्क आइडेंटिफाई करने हैं और प्रोसीजर बताने, 8। शाबाश, चलिए स्टार्ट करते हैं। You are the audit manager of Saqib Shaukat and Company, chartered accountants responsible for the audit of Modern Electronics Limited for the year ended 31st May 2008. Risk है कोई? No, क्या क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन मिल रही है? इनिशियल ऑडिट है कि रिकरिंग? ओपनिंग बैलेंस का रिस्क निकालना है? नहीं निकालना। MEL is a listed company and listed company कोई रिस्क है? लिस्टेड कंपनी में वैसे regulations ज़्यादा अप्लाई होती हैं, थोड़ा सा कम्प्लेक्स ऑडिट होता है, लेकिन सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से हम कभी रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करते। आगे कह रहे हैं एंड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेयरेबल स्पोर्ट्स सेंसर्स, स्मार्ट वॉचेस, GPS नेविगेशन सिस्टम, व्हीकल कैमराज एंड फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम एंड यहाँ तक बताइए कोई रिस्क है? क्या रिस्क? एक तो ये कि प्रीशियस एंड पोर्टेबल इन्वेंट्री आइटम्स हैं जिनके चोरी होने का रिस्क है, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री हमारा रिस्क होगा। इस रिस्क को कवर करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? हमारा रिस्क है क्लाइंट की इन्वेंट्री आइटम चोरी हो सकती, कंट्रोल्स ओवर इन्वेंट्री चेक करेंगे और हम अपनी एक्सटेंट ऑफ स्टॉक टेकिंग ये बढ़ा देंगे, जो फिजिकल स्टॉक काउंट करना है उसकी एक्सटेंट बढ़ा देंगे। चलिए एक रिस्क आ गया, और कोई रिस्क है?
सेगमेंट रिपोर्ट कैसे पता चला सेगमेंट रिपोर्टिंग का रिस्क है? उसने 4, 5, 6 प्रोडक्ट्स हमें बता दें, तो इसका मतलब है इनमें से, और हर प्रोडक्ट की नेचर दूसरे से डिफरेंट है। वो पिछले वाला में उसने कहा था मोटर व्हीकल्स में डिफरेंट मॉडल्स होंगे लेकिन वो एक ही नेचर ऑफ प्रोडक्ट थी। यहाँ पे सेगमेंट क्या रिस्क है कि एक कोई सेगमेंट कोई प्रोडक्ट क्राइटेरिया मीट कर रही होगी लेकिन अलग से रिपोर्ट नहीं किया होगा। रिपोर्टेबल सेगमेंट को अदर सेगमेंट्स में इंक्लूड कर दिया गया होगा और इसका क्राइटेरिया क्या था, 10% ऑफ सेल्स या एसेट्स का। अच्छा मुझे क्राइटेरिया कंफर्म नहीं है ये, लेकिन मेरा ख्याल है कि यही होगा, बड़ी पुरानी फिगर मुझे याद है, आप कंफर्म कर लीजिएगा जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोविजन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इतना लिखना है कि रिपोर्टेबल जो क्राइटेरिया रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड मीट होने के बावजूद हो सकता है उसे सेपरेटली रिपोर्ट ना किया गया, इतना काफ़ी है। दो रिस्क हो हमारे आगे चलते, एंड सेल रेट थ्रू ए चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू आउट द कंट्री। एक्सचेंज रेट थ्रू आउट द कंट्री का मतलब मुल्क के अंदर अंदर ही। अब यहाँ पे उसने क्लियरली नहीं बताया कि हम जो इन्वेंट्री भेज रहे हैं वो कंसाइनमेंट बेसिस पे है कि सेल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को। अगर तो सेल कर रहे हैं फिर तो कोई रिस्क नहीं है, इन्वेंट्री गई सो गई। लेकिन अगर कंसाइनमेंट बेसिस के ऊपर भेज रहे हैं, यानी हमारी अरेंजमेंट इस तरह की है कि अगर बिक गई तो हमें पैसे दे दीजिएगा वरना इन्वेंट्री हमारी हमें वापस कर दीजिएगा, फिर हमारा कंप्लीटनेस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क भी अराइज हो जाएगा। और हम इसे एग्जिस्टेंस का रिस्क क्योंकि लदा से मैंशन किया उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर चूंकि क्वेश्चन में उसने इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दी और ऑलरेडी मैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क आइडेंटिफाई कर चुका हूँ तो मैं इसको पेंडिंग कर दूंगा, मुझे ये कोई बड़ा रिस्क नहीं लग रहा। लेकिन आपको सोचना है क्योंकि एंड में जाके अगर रिस्क पूरे ना हुए तो ये वाला इन्फॉर्मेशन, इससे आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लेना बाद में। अभी तक हमारे 2 रिस्क हैं। फिर इसके बाद कह रहा है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन है, अच्छा सेगमेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह भी वर्ड यूज़ कर सकता था। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन उसने इसीलिए यूज़ किया ताकि हम इशारा दे दें कि सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एनालिसिस करो क्वेश्चन को। एज डिस्क्लोज्ड इन ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मई इज एज फॉलोज। उसने बेतहाशा फिगर्स दे दिए। अब जिस स्टूडेंट ने तो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू कर दिया वो गया। मेरी असेसमेंट के मुताबिक 100% कन्फर्म बात नहीं करा लेकिन असेसमेंट के मुताबिक रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। रिस्क असेसमेंट का क्वेश्चन करने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत, अवॉइड कीजिए इसको अनलेस के आपको लगे कि बहुत जरूरी है। यहाँ पे उसने हमें सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन दे दी। अदर 2 से ऊपर उसने 6 बताए थे, 5-6 नीचे 2 रिपोर्ट किए हैं, बाकी किधर गए? लेकिन ऑल अदर अगर आप देखिए तो टोटल का कोई तकरीबन मेरा 25% 30% के करीब बन रहा है, 25% के करीब तो बन रहा है ना। एनालिटिकली सोचिए क्या अदर सेगमेंट की सेल्स टोटल सेल्स का कोई 25% के आसपास बन रही है, तो क्या रिस्क है कि इसके अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें कोई 10% से ज्यादा वाली भी होगी? भाई रिस्क है, हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगर तो सारी एक एक बराबर हुई तो 8% होगी, कितनी 5 बताई थी उसने, लेकिन चूंकि 10% से इंक्रीज हो रही है टोटल सेल्स तो हमारे ख्याल में कोई ऐसी प्रोडक्ट हो सकती है इसमें जो क्राइटेरिया मीट करती हो सकती है कि नहीं? तो हमारा सेगमेंट इंफॉर्मेशन का रिस्क राइज हो गया, ऊपर से भी रिस्क राइज हुआ कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन से मैनी प्रोडक्ट हमने उसको इसके साथ अब लिंक कर देना कि अदर सेगमेंट्स की सेल्स टोटल सेल्स का 25% या उससे ज़्यादा है, जिसकी वजह से चांसेस हैं कि इसके अंदर कोई रिपोर्टेबल सेगमेंट भी मौजूद हो जिसकी सेल्स 10% से ज़्यादा है, टोटल के 10% से ज़्यादा है। रिस्क आ गया, प्रोसीजर क्या परफॉर्म करेंगे सेगमेंट मैनेजमेंट से इसका ब्रेकअप ले लेंगे।
अदर सेगमेंट्स का, उसमें देखेंगे कोई क्राइटेरिया, कोई सेगमेंट क्राइटेरिया को मीट तो नहीं करता, और एनालिटिकल प्रोसीजर भी परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्राइटेरिया को अलहदा से रिपोर्ट ना करना करवाने के लिए मैनेजमेंट मिसक्लासिफिकेशन कर सकती है, एक सेगमेंट का रेवेन्यू दूसरे में मिसक्लासीफाई कर दे, तो हमने उसको पिछले साल के साथ भी कंपेयर करना। सेगमेंट क्लियर? अच्छा बताइए रेवेन्यू, रेवेन्यू की फिगर नजर आ रही है ना आपको, किसका कम हो रहा है? जीपीएस का भी, अच्छा और टोटल का भी कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन जीपीएस और वेरिएबल स्पोर्ट्स का कम हो रहा है आधा सेगमेंट का, तो हमें टोटल के ऊपर कमेंट करना चाहिए या जिसका कम हो रहा है? पक्की बात, असल रिस्क एग्जामिनर तब होगी ना जिसमें रिस्क है वो बताएं। तो जीपीएस और वेरिएबल स्पोर्ट्स की सेल्स कम हो रही है, इस वजह से इनमें रिस्क क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा जो रिस्क प्रोसीजर ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट करूँ कि ना? नहीं चले, वो आपको पता चल गया, इससे दो रिस्क मजीद आगे, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और वैल्यूएशन ऑफ फिक्स है, लेकिन क्वेश्चन में बेहतर है मेंशन कर दे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ जीपीएस नेविगेशन एंड वेरिएबल स्पोर्ट्स। क्लियर? अच्छा आगे चल के अगर हमें मजीद कोई इंफॉर्मेशन दे जिसे लग रहा हो कि ये वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में रिस्क है या वैल्यू, तो क्या करें? उसको भी ऐड कर दें, रेवेन्यू का रिस्क आ गया। जी जी क्या वैल्यूएशन, हाँ वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट का भी तो रिस्क आ सकता है, लेकिन क्या हमें लिखना चाहिए? क्यों नहीं लिखना चाहिए? उसने इंटेंजिबल एसेट दिए नहीं, अगर दिए होते आपकी बात 100% करेक्ट, हम जरूर उसमें से भी रिस्क आइडेंटिफाई करते। प्रोडक्ट ऑब्सोल्यूट हो गई, जो उस प्रोडक्ट को जो फिक्स एसेट बना रहा है वो इंपेयर्ड हो गया, तो जो उसके लिए इंटेंजिबल एसेट एक्वायर किए गए थे वो भी तो इंपेयर्ड होने चाहिए, बिल्कुल, लेकिन चूंकि उसने क्वेश्चन में दिया इसका मतलब है इस प्रोडक्ट का कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं था इससे रिलेटेड। क्लियर? नहीं हमें होते तो वो देता, हमारे रिस्क असेसमेंट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी है उसने हमें दी हुई। अकरेंस ऑफ सेल्स का नहीं, नहीं 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 अकरेंस ऑल अदर सेल नहीं, अकरेंस ऑफ सेल्स मैंने आपको बताया था हमारे लिए बड़ा रिस्क नहीं होता, अकरेंस ऑफ सेल्स को, कंप्लीटनेस ऑफ सेल्स को हम कभी बड़ा रिस्क अज्यूम नहीं करते, आ सकता है अगर आपके एंड में रिस्क पूरे ना हुए तो फिर लिख दीजिएगा, अगर मेजर चेंज है बहुत ज्यादा हाई चेंज है सिग्निफिकेंट चेंज है तो फिर लिख सकते हैं, फिर ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स या सॉरी अक्रॉस ऑफ सेल्स लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए अभी तक हमने कितने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए? सेगमेंट इंफॉर्मेशन का, प्रीशियस एंड पोर्टेबल इन्वेंट्री आइटम्स का, इसको छोड़ दे छोटा था, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स, चार। ठीक है आगे चलते हैं, फिक्स एसेट्स में वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, डेटर्स में रिस्क कम हो रहे हैं, ठीक है जीपीएस में भी कम हो रहे हैं, वेरिएबल में भी कम हो रहे हैं, ऑल अदर सेगमेंट्स में बढ़ रहे हैं, ओवरऑल बेसिस के ऊपर कम, सेल्स भी बढ़ रही है लेकिन सेल्स बढ़ रही है उस लिहाज से कलेक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब है ठीक है कलेक्शन तो नहीं हो रही उस लिहाज से। अच्छा टोटल की बेस पे अगर देखें तो डेटर्स में कोई रिस्क नहीं है, लेकिन अगर ऑल अदर सेगमेंट में देखें तो रिस्क है कि कुछ सेगमेंट के डेटर से कलेक्शन, हमें रिस्क आइडेंटिफाई करना चाहिए कि नहीं? इन्वेंट्री का भी तो किया था, इन्वेंट्री में जीपीएस और वेरिएबल की नहीं बढ़ रहे थे, ऑल अदर सेगमेंट्स की बढ़ रहे थे, इन्वेंट्री में हमें करना चाहिए कि नहीं? इन्वेंट्री और डेटर दोनों में बताइए, करना चाहिए हाँ, अगर ऊपर हो चुका है तो फिर उसको लिंक कर देंगे हम, किसमें ऑल अदर सेगमेंट्स के डेटर जो है उनके से रिकवरी नहीं हो रही, रिस्क फॉर बैड डेट है, और इसी तरह इन्वेंट्री भी, तो याद रखिए सेगमेंट दिए ना तो हमने सेगमेंट स्पेसिफिक रिस्क भी आइडेंटिफाई करेंगे,
फिक्स एसेट में किया था हमने, जीपीएस और वेरिएबल स्पोर्ट्स की सेल कम होने की वजह से इन्हीं के फिक्स एसेट पे रिस्क असेस किया था ना, इंपेयरमेंट का टोटल पे तो नहीं कर दिया था। तो सेगमेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का रिस्क स्पेसिफिक सेगमेंट पे रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं, टोटल की बेस पे रिस्क असेसमेंट नहीं करनी, हर सेगमेंट की बेस पे करनी। आगे चलते हैं, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अवेलेबल, एमईएल हैज विटनेसिंग ए शिफ्ट ऑफ कस्टमर फ्रॉम वेरिएबल स्पोर्ट्स सेंसर टू स्मार्ट वॉचेस विच हैव एडिशनल फीचर एज कम्पेयर टू द फीचर बींग ऑफर्ड बाई वेरिएबल स्पोर्ट सेंसर। क्या बता रहा है, लोग एक प्रोडक्ट से शिफ्ट होके दूसरी प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, ट्रेंड से, तो इससे क्या रिस्क है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, कौन सी इन्वेंट्री? वेरिएबल स्पोर्ट, लेकिन उसको तो हम ऊपर कर चुके हैं डिक्रीज इन सेल की वजह से, तो लिंक कर देंगे, शाबाश, लिंक कर देंगे। और इससे हमें एक ये भी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जिसकी प्राय बढ़ रही है ना, स्मार्ट वॉचेस की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब उसकी सेल्स भी ज़्यादा होगी। वो प्रोबेबली अगर आप ऊपर देखें ना, उसने वो आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ, वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो सकता है क्योंकि उसकी सेल्स बड़ी, डिमांड बढ़ रही है। क्वेश्चन में छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से आपने अंदाजे लगाने होते हैं, दिमाग लड़ाना होता है। Therefore, to maintain its customer base, MEL started developing its own smartwatch and successfully launched it in 2018. During the year launch year, 2018 का सवाल है, उस लिहाज से during the year ही बना। कोई रिस्क है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दी? ये न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दी तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रिस्क, लेकिन वो डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी ऊपर। कोई और रिस्क है? सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होता है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई हमें, क्या उसके अंदर घुसना चाहिए? बड़ा रिस्क, ये जो एक लफ्ज है ना इसमें डेवलपिंग, इसकी वजह से रिस्क अराइज हुआ है कि डेवलपमेंट कास्ट को सही से कैपिटलाइज किया गया है कि नहीं, और उसके लिए तकरीबन वही प्रोसीजर जो एडिशन टू फिक्स एसेट्स के थे। लिस्ट लेंगे, अक्रंस सैंपल बेस पे चेक करेंगे, जेन्युइन है कि नहीं एक्सपेंस, कॉस्ट को वेरीफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन रिव्यू करेंगे, रिसर्च को एक्सपेंस आउट, और जब से डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुआ क्राइटेरिया बता सकते हैं डेवलपमेंट कास्ट की कैपिटलाइजेशन का क्या है, क्योंकि आपने प्रोसीजर में लिखना होगा ना, दो तीन प्रोसीजर, इंक्वायर करें, फिजिबिलिटी, इंटेंशन, रिसोर्सेस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, क्लियर हो गया जी, प्रोसीजर बता देंगे। आगे चले, एमईएल इंटेंड्स टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्ट रेंज इन द स्मार्ट वॉच सेगमेंट बाय एक्सपेंडिंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। वो कह रहे हैं हम बढ़ाना चाहते हैं, नया प्लांट लगाना चाहते हैं, विच वुड बी फाइनेंस थ्रू ए राइट इशू। राइट इशू से रिस्क आ गया, इसमें सबसे अहम इंफॉर्मेशन राइट इशू थी। राइट इशू किसको कहते हैं? फर्दर इशू ऑफ शेयर्स। तो क्या रिस्क है? विंडो ड्रेसिंग, क्योंकि शेयर प्राइस ज्यादा प्राइस के चक्कर में प्रॉफिट को ओवरस्टेट करेंगे। अच्छा, ये रिस्क बाकी के सारे रिस्क से डिफरेंट है, क्यों? ये रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल है, इसके प्रोसीजर भी एरिया स्पेसिफिक नहीं, जनरल होंगे, ओवरऑल लेवल के होंगे। क्या क्या? फॉर एग्जांपल, कट ऑफ, एनालिटिकल प्रोसीजर ऑन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर कंपेयर करेंगे, और नहीं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में क्या देखेंगे? एक्सपर्ट, अब एक्सपर्ट रह गया, वो भी बोल दे, नहीं वो नहीं करेंगे, ठीक है, सैंपल साइज बढ़ा देंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इंक्रीज कर देंगे, एस्टीमेट्स के ऊपर कुछ काम करेंगे, एस्टीमेट्स को ज़्यादा क्रिटिकली रिव्यू करना है, एस्टीमेट्स बड़ा आसान तरीका होता है हेर फेर करने का, ठीक है। और स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह देखा भी जा सकता है कि मिनट से स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह की चीज़ नहीं देखी जा सकती, मिनट से स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा देख, एक मिनट ठहरे, विच फाइनेंस नहीं, वुड बी फाइनेंस, फाइनेंस की जाएगी, अभी की नहीं है, ठीक है। क्या अगर ये इरादा हो राइट इशू, शेयर इशू किए जाएंगे, फिर भी फ्रॉड रिस्क राइज हो जाता है? बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है, हमने इस बिजनेस को, इसके शेयर्स को
अगले 2-3 महीनों में बेचना है तो इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हाई प्रॉफिट होगा तो ज्यादा पैसे मिलेंगे। क्लियर हो गया ये? रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, सिंपल है। और उसमें एक्सप्लेनेशन में लिखे अजर्शन तो कोई नहीं बताएंगे क्योंकि ये रिस्क एट अजर्शन लेवल है ही नहीं, ठीक है। या सिंपल इशू राइट इशू की हेडिंग भी दे सकते हैं क्योंकि अगर, लेकिन अगर आप रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल की हेडिंग देते हैं एक्सप्लेनेशन में लाजमी बताना है कि किस इंफॉर्मेशन की वजह से राइट इशू प्लान्ड है इस वजह से रिस्क राइज हुआ। कौन सी आइटम अकाउंट बैलेंस इक्विटी की है, लेकिन इस हमारी इंटेंशन क्या है, हमने बेचना है शेयर्स को, ठीक है। इसकी सिंपल एंट्री ये नहीं है कि जी डेबिट, हाँ इसकी ये होगी कि हमने किस प्राइस पे बेच रहे हैं, ठीक है। क्या डायरेक्टर्स की ये कोशिश होगी कि हाई प्राइस मिले शेयर इशू करने से, और हाई प्राइस किस चीज को देख के शेयर होल्डर देगा, इन्वेस्टर देगा, प्रॉफिट। नेक्स्ट, ऑन 10th अप्रैल 2018 एमईएल पब्लिकली अनाउंस्ड दैट इट वाज क्लोजिंग एन ओल्ड फुल्ली डेप्रिसिएटेड प्लांट व्हिच वाज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ए कंपोनेंट यूज्ड इन द वेयरेबल स्पोर्ट सेंसर। वेयरेबल को तो वैसे ही उसके खत्म हो रही है, उसने कहा इसका प्लांट भी बंद करो। एडविलिस्टेंट इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना एट चीपर रेट्स, नहीं नहीं क्यों नहीं, विल इंपोर्ट अभी किया नहीं है, अभी किया नहीं, हाँ IFRS 5 का रिस्क क्योंकि प्लांट क्लोज कर दिया, अब उसके दो रिस्क राइज होते हैं, हाँ लेकिन पहले पूरे पूरी बात पढ़ ले। मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग वेरियस ऑप्शन रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्लांट, प्लांट को बेचने के बारे में बहुत सी ऑप्शन है, प्लांट का क्या करें। However, the affected employees were communicated about the decisions on the same date and negotiation with the labor union were started for agreeing on the termination payments. दो रिस्क आ गए, कौन कौन से, assets held for sale और provision for restructuring. Assets held for sale में बताइए प्रोसीजर, क्लासिफिकेशन पहले, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स नहीं पढ़ने, अब जब डिसीजन किया तो अब जब सबसे अहम है कि डिसीजन वाकई किया कि नहीं किया, ठीक है, मिनट्स पढ़ लिए और उसकी क्लासिफिकेशन देखी चेंज हुई है कि नहीं, अकाउंटिंग देखी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे, क्या नेसेसरी स्टेप्स लिए गए इसको सेल करने के लिए, और सबसे अहम फेयर वैल्यू उसके लिए वैल्यूअर को इंगेज, सॉरी एक्सपर्ट को इंगेज कर सकते हैं या वैल्यूअर को इंगेज कर, और प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग के लिए क्या प्रोसीजर है, मैनेजमेंट की वर्किंग ऑब्टेन करें जिसमें एम्प्लॉयज की सारी लिस्ट होगी, शाबाश, एम्प्लॉयज के अपॉइंटमेंट लेटर चेक करें, दो और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गया, उन्होंने कहा एम्प्लॉयमेंट लेटर, लेबर यूनियन के साथ निगोशिएशन देखेंगे क्या चल रही है, किस स्टेज पे पहुंची है, ये रेंट के बाद ऑडिट रिपोर्ट फाइनल होने तक किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, ये हमारे प्रोसीजर, क्लियर। अच्छा बताइए जरा रुक के, अभी तक कितने प्रोसीजर हो गए हैं, सॉरी रिस्क हो गए हैं, 8 हो गए हैं, नहीं नहीं बहुत ज्यादा नहीं, काउंट करना है, कौन कौन से सोचे जरा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हमने, सेगमेंट रिपोर्टिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, डेवलपमेंट कॉस्ट, राइट इशू 6, प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग और एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, हाँ 8 हो गए, ठीक है आगे चलते हैं। अभी क्वेश्चन अभी रहता है, नहीं नहीं पूरा नहीं, ठहर ना 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 ऐसे नहीं कर, पेपर में एक आधा एक्स्ट्रा लिखाना है, पेपर में एक्स्ट्रा लिखने का कोई मसला नहीं है, आप सेफ साइड में होंगे जी, हाँ अगर गलत हो जाएगा तो वो जो आपने एक्स्ट्रा लिखा होगा उसको करेक्ट कर लेगा, वो फर्स्ट 8 रिस्क चेक नहीं करेगा, आपके बेस्ट 8 रिस्क चेक कर लेगा, ठीक है, मेडल शेडल। ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द सेल ऑफ GPS नेविगेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेल टू द टूरिज्म इंडस्ट्री,
The government had made it mandatory for all tour operators to install GPS navigation system. बताइए हमारा क्लाइंट खुश हुआ होगा कि नहीं? हुआ हो, गवर्नमेंट ने कहा जी हमारा क्लाइंट नेविगेशन सिस्टम, ये तो वही बात, हमारा क्लाइंट मास्क बेचता है, गवर्नमेंट ने कहा मास्क लगाना लाजमी है, क्लाइंट के तो 500 घी में सर कढ़ाई में. कंप्लायंस हैज टू बी मेड बाय ऑल टूर ऑपरेटर ओवर ए पीरियड ऑफ 4 years. 4 साल के अंदर अंदर सबने कंप्लाई करना है इसको, यानी नेविगेशन सिस्टम लगाना. Association representing the country's tour operators had signed a 4-year agreement in April 2016 with MEL. हमारे क्लाइंट के साथ उन्होंने 4 साल का एग्रीमेंट किया. रीजन में रखिए कि जिस अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया ना, ये 2018 थी, ठीक है, यानी उस वक्त अभी कुछ साल पीरियड गुजरा है, कुछ नहीं गुजरा. With MEL, under which discounted sale price has been offered to the tour operators, which cannot be raised. इससे मुझे इंडिकेशन एक क्लिक हुआ NRV of inventory का, लेकिन डिस्कस नहीं, क्योंकि मुझे पता है उसे वारा खाती होगी ना, उसने फिर ही एग्रीमेंट किया है, ठीक है, वारा खाती होगी फिर ही एग्रीमेंट किया, वरना एग्रीमेंट करता ही ना, लॉस पे भी कोई एग्रीमेंट करता है. डिस्काउंट दिया होगा, थोड़ा कम प्रॉफिट कर दिया चार्ज, लेकिन होगा अभी भी प्रॉफिट पे. आगे चलते हैं कहानी में क्या कर रहा है. कह रहे हैं नेचुरल डिजास्टर डिस्ट्रॉयड द सप्लायर्स प्लांट विच सप्लाइड सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ द GPS नेविगेशन सिस्टम एंड कॉन्सिक्वेंटली MEL हैज टू इंपोर्ट दीज कंपोनेंट्स फ्रॉम मलेशिया at twice the cost of local purchase. At the year end, 200 contracts were out of four, so far supply of 4,000 are still pending. अभी भी कुछ contract pending है. मेरा पहला question, जिससे supply लेते थे natural disaster में वो तबाह हो गया supplier, going concern का issue है कि नहीं? पक्की बात है, क्यों नहीं है भाई? alternate available है, मलेशिया से खरीद ले, वो एक ही supplier थोड़ी था, going concern का issue नहीं है, correct. और कोई रिस्क है? ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट, शाबाश. कैसे ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट? कॉस्ट डबल, सेल प्राइस को फिक्स है कॉस्ट, और वो कम है नॉर्मल प्राइस से, और कॉस्ट डबल हो गई, तो रिस्क है कि लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है. क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? एग्रीमेंट पढ़ेंगे, उसमें सेल प्राइस चेक करेंगे, स्टेप वन. स्टेप टू, कॉस्ट कंपोनेंट, कॉस्ट स्ट्रक्चर एनालाइज करेंगे, उसमें कैलकुलेशन देखेंगे कॉस्ट की. और स्टेप थ्री में कंपेयर करके देखेंगे, अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन रिकॉर्ड. हाँ, एक चीज़ और चेक करेंगे, पेनल्टी, अगर पेनल्टी ज़्यादा फेवरेबल ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करें. इसमें एक और रिस्क भी है, फॉरेन करेंसी. वो कैसे? इंपोर्ट करेगा कि कर रहा है? करेगा तो फिर रिस्क नहीं आएगा फॉरेन करेंसी का. जब ट्रांजैक्शन हुई नहीं फॉरेन करेंसी की, रिस्क क्या आएगा? वो तो फ्यूचर में आएगा ना. लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कर रहा है. ऊपर मैंने आपकी तवज्जा दिलाई थी और कहा था कि उसमें कह रहा था करेगा. ऊपर रिस्क मैंने आइडेंटिफाई नहीं करवाया था, यहाँ पे रिस्क आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ. तो फॉरेन करेंसी का रिस्क इस इंफॉर्मेशन की वजह से राइज होता है, ऊपर वाली से नहीं. क्या प्रोसीजर है फिर फॉरेन करेंसी के? ये रेंट पे रेट्स देखेंगे, अपडेट किया है कि नहीं, और जो गेन या लॉस है वो अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं. उसे अप्रोप्रिएटली कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए? इनकम एक्सपेंस या के एसेट्स की वैल्यू में? इनकम एक्सपेंस. शाबाश, क्लियर हो गया, ये कुछ कुछ समझ आई. चलिए इसके बाद आगे चलते हैं. हाँ बिल्कुल, नमाज का टाइम, लेकिन नमाज वापस आके ना, आपने जो स्टूडेंट इनके पास, आपने क्या करना है, एक है बेस्ट बेस्ट वाला कर लें, हसन अब्दाली वाला कर लें, बेस्ट वाला कर लें, चलें बेस्ट वाला भाई करें, बेस्ट वाला कर लें जी. ठीक है जी, आपने बेस्ट, वैसे टाइम हुआ तो दोनों करेंगे, हसन वाला भी करेंगे, लेकिन आपने आके बेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड समर 2019 इसके रिस्क अंडरलाइन करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो बेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड समर 2019 का होगा. क्लियर जी, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. उम्मीद है आपने रीडिंग करके रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए होंगे, अंडरलाइन कर लिया होगा, नंबरिंग भी कर ली होगी. डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. बताइए एग्जाम में क्वेश्चन में सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में क्या करना है? रिक्वायरमेंट किस लिए पढ़नी है हमने? ताकि पता चल जाए किस स्टैंडर्ड, किस टॉपिक का क्वेश्चन है. रिक्वायरमेंट में डिस्कस द ऑडिट दैट एग्जिस्ट इन द अबव सिनेरियो एंड सजेस्ट द की ऑडिट प्रोसीजर दैट यू वुड परफॉर्म टू एड्रेस दोज रिस्क.
रेगुलर रिक्वायरमेंट है, कितने रिस्क आइडेंटिफाई करने चाहिए मुझे? 24 कहाँ रिस्क आइडेंटिफाई करने चाहिए? तकरीबन 10, हाँ 10 रिस्क। चलिए समर 2019, योर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ बेस्ट इंडस्ट्री लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2019। रिस्क है ओपनिंग इनिशियल, कैसे पता चला इनिशियल ऑडिट है? अपॉइंटेड, अगर रीअपॉइंटेड होता तो रिकरिंग, फिर रिस्क ना होता, ओपनिंग बैलेंस का रिस्क है। प्रोसीजर के ओपनिंग बैलेंसेज जो हैं वो हो सकता है करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड ना हो या उनमें कोई मिसस्टेटमेंट हो। जी मेरे भाई, ओपनिंग बैलेंसेज को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर, कैसे एविडेंस ऑब्टेन करेंगे? प्रीडिसाइज्ड राइटर का वर्किंग पेपर, दूसरा करंट प्रोसीजर से ओपनिंग बैलेंस का, और तीसरा स्पेसिफिक प्रोसीजर। ठीक है, एक एडिशनल प्रोसीजर के हम पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस के साथ इस साल के ओपनिंग बैलेंस को भी मैच कर लेंगे, ये देखने के लिए कि करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है कि नहीं। ठीक है, करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है कि नहीं। चलिए ये क्लियर, एक रिस्क हो गया, गिनते जाइएगा। BIL इज ए लिस्टेड कंपनी एंड हैज 3 प्रोडक्शन प्लांट्स। जी कोई रिस्क है? प्लांट सी एंड बी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रियल केमिकल्स, वेयर एज प्लांट सी इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। रिस्क है? सेगमेंट रिपोर्टिंग का थ्री प्रोडक्शन, सेगमेंट रिपोर्टिंग का रिस्क है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के वेरियस मॉडल्स होंगे, टाइप्स होंगी, मुझे नहीं आइडेंटिफाई कर लें, स्ट्रॉन्ग रिस्क नहीं है मेरे ख्याल से। जी मेरे इसको लिख लेते, अगर हमारे रिस्क पूरे हो गए तो ठीक है, वरना इसको मेरा आइडेंटिफाई कर लेंगे, इसको साइड पे लिख ले रिस्क। सर वैसे अगर इंडस्ट्रियल केमिकल भी कर रहा है, 2 प्लांट उसके इंडस्ट्रियल केमिकल बना रहे हैं और तीसरा प्लांट जो है वो स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स बना रहा है, तो सर डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स तो आ गई। हाँ डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है, लेकिन वो वेरियस प्रोडक्ट्स लाइन होनी चाहिए। अच्छा वैसे मेरी इतनी काउंटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं, मुझे इतना बताइए, अगर एक कंपनी 2 प्रोडक्ट सिर्फ सेल कर रही है, क्या फिर भी सेगमेंट रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड अप्लाई होता है? नेचर डिफरेंट है, होगा क्या? अगर फॉर एग्जांपल इस कॉलेज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, इनका एक रेवेन्यू आ रहा है स्टोर से, एक रेवेन्यू आ रहा है पब्लिकेशन ऑफ बुक्स से, क्या ये सेगमेंट इंफॉर्मेशन लेटर तो बनेगी? हाँ मेरा ख्याल है ये स्टैंडर्ड, वरना तो वो जो पीछे पहले हमने पढ़ा था सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स, सेल ऑफ स्पेयर पार्ट्स, सर्विस, उस पर भी सेगमेंट रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड अप्लाई हो सकता था, उस पर भी हो सकता था। मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड में कुछ उसने बताया होगा कितनी प्रोडक्ट्स या उसका क्राइटेरिया क्या है, मुझे नहीं कन्फर्म। आप में से कोई स्टूडेंट ये जिम्मेदारी लेता है कि वो पढ़ के हमें बताएगा कि क्या सेगमेंट रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि 2 प्रोडक्ट्स में भी सेगमेंट रिपोर्टिंग होगी? उसकी एप्लीकेशन कब होगी? अच्छा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस सेपरेट, मैनेजमेंट सेपरेट है, तो क्या यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है? हाँ तो मेरे ख्याल में भी सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं। चलिए इसको बहरहाल आइडेंटिफाई करके साइड में रख लें, वापस आके फिर इसको देखते हैं। अच्छा क्या नेचर ऑफ द प्रोडक्ट से कोई रिस्क राइज होता है? क्या केमिकल से क्या रिस्क राइज होता है? धमाके का? अच्छा मुझे कॉस्मेटिक एंड स्किन के प्रोडक्ट से रिस्क लग रहा है कि राइज होगा ऑब्सोलीट स्टॉक का, कि एक्सपायरी डेट जिन प्रोडक्ट्स की गुजर चुकी है उनको NRV पे रिकॉर्ड करना होगा। ये नॉर्मली टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे और इस तरह की जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं इनकी एक्सपायरी होती है, और एक्सपायरी इनकी एक क्रिटिकल फैक्टर होता है। तो इसमें नहीं, इसमें एम्बेजल मिस अप्रोप्रिएशन का, चोरी का रिस्क नहीं, इतनी कीमती नहीं होती, पोर्टेबल होती है लेकिन इतनी कीमती नहीं, क्या 100-200 की क्रीम होगी? चले बहरहाल एक्सपायरी देखिए, अब एक है
ऑब्सोलीट स्टॉक, एक है एग्जिस्टेंस। मैं चले मान लेता हूँ कि एग्जिस्टेंस में भी रिस्क है कि चोरी हो सकती है, पोर्टेबल प्रोडक्ट है, लेकिन दोनों में से कौन सा आपको बड़ा रिस्क लग रहा है? ऑब्सोलीट वाला पकड़ लेते हैं, बाकी साइड पे रख लेते हैं, ठीक है? एंड पे अगर हमारे पास रिस्क कम हुए वापस आके पकड़ लेंगे इनको दोबारा। तो दो बड़े रिस्क कौन से हो गए हमारे? ओपनिंग बैलेंस वाला, ऑब्सोलीट स्टॉक वाला। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड बाय ऑडिट टीम। गुफरान इज द सीईओ एंड होल्ड्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग इन बीएल। है कोई रिस्क मैनेजमेंट ओवर राइट ऑफ कंट्रोल का? वो नीचे नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन से बताइए। वो तो आपने सोल्यूशन याद किए होंगे कर करके, मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी इन्फॉर्मेशन से कोई रिस्क आइडेंटिफाई हो रहा है क्या? क्यों? अगर मेजोरिटी शेयर होल्ड, याद रखिए मैनेजमेंट में जो पर्सन इन्वॉल्व है उसे मेजोरिटी शेयर होल्ड, थोड़े बहुत शेयर्स होते हैं लेकिन मेजोरिटी शेयर होल्डर्स नहीं होने चाहिए। क्यों? उसका इंटरेस्ट होगा शेयर की प्राइस के साथ, और शेयर की प्राइस इफेक्ट होती है प्रॉफिट से। तो डेफिनेटली अगर वो मेजोरिटी शेयर होल्डर है तो उसका मतलब प्रॉफिट या लॉस से सबसे बड़ी इफेक्टेड पार्टी वही है, तो वो प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? रिस्क ऑफ फ्रॉड, रिस्क एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के एक्सर्शन लेवल, और उसको एड्रेस कैसे करना है बता दिए। अच्छा, एक ये तो यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया ना, तीन रिस्क हो गए। एक रिस्क तो उसने मेंशन नहीं किया, अगर मैनेजमेंट में जो बंदा इन्वॉल्व है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हो फिर भी रिस्क है। अगर मैनेजमेंट में जो बंदा इन्वॉल्व है वो ऑडिट कमेटी के साथ, इंटरनल ऑडिट वालों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ उसका कोई रिलेशनशिप हो, ठीक है, या वो इन्फ्लुएंस कर सकता हो उनको, फिर भी रिस्क आएगा। वो क्यों? अगर मैनेजमेंट में जो लोग इन्वॉल्व है, सीएफओ सीईओ, उसका ऑडिट कमेटी, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट पे इन्फ्लुएंस हो, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, ऐसे ही है। अगर फॉर एग्जांपल वो क्वेश्चन में कहता है दोनों क्लोज फ्रेंड्स हैं तो इंडिपेंडेंट नहीं ऑडिट, क्या वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही होगी? नहीं कर रही होगी। इसी तरह अगर डायरेक्टर्स में उसका इन्फ्लुएंस है, क्या वो डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली उसकी सुपरविजन कर रहे होंगे? नहीं। वो भी रिस्क है, वो भी रिस्क है। आगे चल के देखते हैं इस तरह की बात करता है कि नहीं। ये रिस्क हमारा लैदा हो गया, कंप्लीट हो गया डिस्कस। अगला रिस्क कह रहे हैं देर आर 7 अदर डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड हु मीट 4 times a year टू अप्रूव द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा मुझे बताइए, डायरेक्टर्स के लिए कोई मीटिंग रिक्वायर्ड होती है? ये लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है ना, हाँ, वंस इन अ क्वार्टर, तो वो वंस इन अ क्वार्टर मिल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की लिस्टिंग रेगुलेशन की कोई रिक्वायरमेंट वायोलेट नहीं हो रही। आगे क्या कह रहा है, ऑन हु मेड 4 times a year टू अप्रूव द क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्वार्टरली फाइनेंशियल अप्रूव करने के लिए, एंड इंडोर्स द डिसीजंस टेकन बाय गुफरान ड्यूरिंग द क्वार्टर। और गुफरान ने जितने भी डिसीजंस किए उनको इंडोर्स कर रहे हैं, उनको अप्रूव कर रहे हैं। यानी इससे क्या हमें ये फीलिंग आ रही है कि वो डायरेक्टर सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे आते हैं और उसके सारे डिसीजन अप्रूव करते तो उनको चैलेंज नहीं करते, आर्गू नहीं करते? तो ये एक गुड गवर्नेंस स्ट्रक्चर की निशानी है कि पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर? तो हम वैल्यूएट करेंगे क्या डायरेक्टर्स के साथ इसका कोई रिलेशनशिप तो नहीं है, क्या डायरेक्टर इंडिपेंडेंट है, उन डायरेक्टर कॉम्पिटेंट है, उन्हें पता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, मीटिंग में क्या चीजें डिस्कस होती हैं, मीटिंग के मिनट्स पढ़ेंगे, कॉम्पिटेंसी की उनकी, उनकी इंडिपेंडेंस की, ठीक है जी? ये क्लियर हो गया। दो रिस्क आ गए यहां पे, एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर पुअर है और दूसरा रिस्क ऑफ फ्रॉड मेजोरिटी शेयर होल्डर को। क्लियर, कितने रिस्क हो गए? 4। आगे चले, कंट्रोल रिस्क कौन सा? नहीं, ओवरराइड ऑफ कंट्रोल की तो मैंने की बात ही नहीं की। वो रिस्क ऑफ फाइनेंशियल, रिस्क ऑफ फ्रॉड में कवर हो जाता है। वो जाहिर है जब फ्रॉड करेगा तो वो इन्हीं तरीकों से करेगा। सेकंड, कंसीडरिंग द डिक्लाइन इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये तो हमारा, और आपने देखा ये तकरीबन हर क्वेश्चन में, हालांकि कितना आसान है। दो रिस्क कौन से आए? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स।
अगर कहीं इंटेंजिबल एसेट की इंफॉर्मेशन देता हम वो भी रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते। कितने रिस्क हो गए हमारे? 6 हो गए। BIL has taken the following decisions during the year. ये उन्होंने कुछ डिसीजन लिए, क्या? क्लोज प्लांट बी विद इफेक्ट फ्रॉम 31st August 2019. द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ दिस डिसीजन वॉज मेड ऑन 15 April 2019. ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने डिसीजन कर लिया। कौन से प्रोविजन? रीस्ट्रक्चरिंग की और फिर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, दो रिस्क ये आ गए। ये इसका मतलब है ये दो पॉइंट्स आईकैब के खुसूसी फेवरेट लग रहे हैं, एक डिक्लाइन इन डिमांड की वजह से दो रिस्क और एक क्लोजर ऑफ प्लांट की वजह से दो रिस्क। चले, सेगमेंट रिपोर्टिंग का मशकूक है वो, हम अभी कंफर्म नहीं है कि जब कभी मल्टीपल प्रोडक्ट्स होगी हमेशा आएगा या नहीं आएगा, वो अभी इतना कंफर्म नहीं है। ये तो कंफर्म 6 रिस्क हो गए हमारे, क्या 8 हो गए? नहीं, एक मिनट ठहरे, मैं गिनती कर लूँ फिर से। अभी आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। सबसे पहला रिस्क था इनिशियल ऑडिट का, फिर ऑब्सोलीट स्टॉक का, रिस्क ऑफ फ्रॉड मेजोरिटी शेयर होल्डिंग की वजह से, पुअर गवर्नेंस स्ट्रक्चर 4, डिक्लाइन इन डिमांड, वैल्यूएशन और फिक्स। लेकिन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री तो ऊपर आ गया था, तो इसका मतलब है ये 1 होगा, 5 और फिर इसके बाद प्लांट क्लोज किया, 6 और 7 हो गए, 7 रिस्क हो गए। ठीक है जी। जी भाई, जी जी बिल्कुल नहीं, पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द डिसीजन वाज मेड। ठीक है, वो हो गया 7। अच्छा, आगे चलते हैं। इंट्रोड्यूस ए न्यू इंसेंटिव पैकेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन जनवरी 2019 फॉर डिस्ट्रीब्यूटर्स इन जनवरी 2019 टू बूस्ट द सेल्स ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल्स। इंडस्ट्रियल केमिकल्स की सेल्स को बढ़ाने के लिए नया इंसेंटिव पैकेज दिया। भाई क्या दिया? कह रहा है सेल्स कमीशन रेट इज डिपेंडेंट ऑन अचीविंग द वेरियस एनुअल टारगेट लेवल सेट बाय द बिलाल्स मैनेजमेंट। हाँ जी, अब बताइए ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल का रिस्क आ गया कि नहीं आ गया? कि उनका बोनस कमीशन सेल्स के साथ लिंक कर दिया गया, अब वो अपना सेल कमीशन को बढ़ाने के लिए सेल्स को ओवरस्टेट कर सकते हैं। अकरेंस ऑफ सेल, अब अकरेंस ऑफ सेल्स आया, अब इसको लिखिए, दबा के लिखिए सेल, और इसके प्रोसीजर क्या होंगे अकरेंस ऑफ सेल्स के? हाँ हाँ, सेल को हाँ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर ताकि कमीशन मिले, हो गया प्रोसीजर। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एग्रीमेंट के टर्म्स देखेंगे, उससे हमें क्या पता चलेगा सेल्स किस पॉइंट पे? हाँ, क्योंकि अगर वो कहता है कि जी सेल्स कलेक्शन के साथ कमीशन तब दिया जाएगा जब कलेक्शन भी हो जाएगी उनसे, तो फिर शायद हमारा रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि अब वो तो फेक सेल रिकॉर्ड नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा एग्रीमेंट पढ़ लिया और सैंपल सेट करेंगे सेल इनवाइसेस का, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखेंगे। अच्छा, कौन सी इनवाइसेस जो ये रेंट पे रिकॉर्ड हुई हैं कि थ्रू आउट द ये रेंट पे ज्यादा हम फोकस करेंगे? कट ऑफ परफॉर्म करेंगे, शाबाश, के अगले साल की सेल्स इस साल तो नहीं रिकॉर्ड कर ली, ये रेंट के बाद की सेल्स रिटर्न को, बस आपने आप बताइए, इन्होंने कहा कि ये रेंट के बाद की सेल्स रिटर्न को देखेंगे, वो क्यों देखेंगे? जो लास्ट महीने की सेल उसी से प्रटेन कर रही होगी, या जो जनवरी 2021 में सेल्स रिटर्न हुई है वो दिसंबर 2020 की सेल ही होगी, तो ये क्यों देखेंगे? हाँ, क्योंकि फेक सेल तो नहीं है जो बाद में रिटर्न होगी। शाबाश, प्रोसीजर क्लियर हो गए। चलिए, ये हो गए हमारे 8 रिस्क, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहे जी लॉन्च ए कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम इन फरवरी 2019। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया इन विच कस्टमर्स आर अवॉर्डेड लॉयल्टी पॉइंट्स ऑन ईच परचेज ऑफ कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम सिलेक्टेड रिटेल आउटलेट्स एंड ऑनलाइन स्टोर्स। मैनेजमेंट बिलीव्स दैट दिस इनिशिएटिव वुड इंक्रीज द डिमांड ऑफ कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स। क्या रिस्क है?
हाँ वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी एक्यूरेसी वैल्यूएशन एंड एलोकेशन ऑफ लाइबिलिटी जो लाइबिलिटी रिकग्नाइज करनी है सेल के ऊपर स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के सेल के ऊपर और इसके प्रोसीजर्स क्या थे कैलकुलेशन उनका फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ लॉयल्टी और अजम्पशंस को रीसेस करेंगे उनकी रीजनेबल है कि नहीं कि कस्टमर कितने कस्टमर जो है वो इनको यूटिलाइज करेंगे एक्सपर्ट को इंगेज कर सकते हैं करेक्ट नो हो गए हमारे जी रिटेल आउटलेट्स और ऑनलाइन स्टोर में तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो स्टॉक तो हमारे पास ही पड़ा होगा रिटेल आउटलेट्स में हो सकता है कि इन्वेंट्री वेरियस प्लेसेस पे पड़ी है लेकिन ये छोटा रिस्क है इसको मैं साइड पे रख रहा हूँ ठीक है अगर पूरे हो गए 10 रिस्क करने हैं 9 हो गए हैं पूरे हो गए तो ठीक है वरना फिर वापस आके इसको पकड़ लेंगे स्टाफ एट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर हायर्ड एट लो सैलरीज बट दे आर गिवन हाई एनुअल बोनसेस ऑन अचीविंग देयर टारगेट्स सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों को भी टारगेट अचीव करने पे बोनस दिए जा रहे हैं अब ये तो वही रिस्क है जो पहले किया था सेल्स टारगेट उसके साथ कंबाइन हो जाएगा प्रोसीजर सेम रहेंगे इन्फॉर्मेशन हमने लिंक कर दी लास्ट ईयर BIL वाज सेलेक्टेड फॉर टैक्स ऑडिट मींस द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैड डिसअलाउड सर्टेन बिजनेस एक्सपेंडिचर BIL फाइल्ड एन एप्लीकेशन अगेंस्ट द ऑर्डर इशूड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाउएवर इट लॉस्ट द फर्स्ट अपील एंड हैज रिसेंटली फाइल्ड ए सेकेंड अपील टू द रेलिवेंट इनकम टैक्स अथॉरिटीज रिस्क है क्या और VN फॉर टैक्सेशन का करंट टैक्स डेफर टैक्स करंट टैक्स के प्रोविजन अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड नहीं की गई होगी प्रोसीजर्स क्या टैक्स कंसल्टेंट हायर कर लिया अच्छा जो वो सोल्यूशन में सबसे एंड में लिखता है ना प्रोसीजर वो आप सबसे पहले बताते हैं वो एक्सपर्ट वाला सबसे एंड में लिखता होता है बहरहाल चले ठीक है तरतीब से फर्क नहीं पड़ता मैं वैसे बता रहा हूँ आप एडिक्वेसी ऑफ डिस्क्लोजर और कैलकुलेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस किसके साथ चेक करेंगे असेसमेंट ऑर्डर जो उनका है वो रीड कर लें और उस असेसमेंट ऑर्डर के ऊपर इंटरनल कंसल्टेंट से भी ओपिनियन ले लें कि नॉर्मली इस तरह के केसेस में क्या डिसीजंस होते हैं प्रेसिडेंट अगर है कोई उस इशू के ऊपर देख के इस तरह के एक्सपेंसेस को अलाउ किया जाता है कि नहीं किया जाता चले पूरे हो जी नहीं नहीं डेफर टैक्स का नहीं यहाँ पे पॉइंट डेफर टैक्स का उसने जिक्र नहीं किया क्वेश्चन में ये करंट टैक्स का इशू है जो असेसमेंट जो FBI टैक्स अथॉरिटी के साथ हमारे इश्यूज होते हैं ना वो हमेशा करंट टैक्स के होते हैं डेफर टैक्स के नहीं होते क्लियर जी चलिए ये हो गए थे हमारे तीन क्वेश्चन एक और क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था वो फिर आपने घर जाके उसको अटेम्प्ट कर लेना है वो था विंटर 2018 हसन अब्दाली एंड कंपनी ठीक है ये कर लीजिए अच्छा मजीद कुछ क्वेश्चंस आप मुझे ये बताइए रिस्क हमने पढ़ लिए क्वेश्चन भी कर लिया लेकिन याद रखिए चांसेस हैं कि हर क्वेश्चन में अगर 10 रिस्क उसने पूछे हैं एक दो रिस्क ऐसे हों जो आपके लिए शायद नहीं हो तो प्रैक्टिस करते रहें ठीक है क्वेश्चंस की क्या आप समझते हैं कि हमें मजीद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए इस क्लास में मेरा प्लान ये है कि मजीद क्वेश्चंस की डिस्कशन होम बेस्ड रिकॉर्डिंग में क्योंकि ज़ाहिर है कॉलेज मैनेजमेंट टाइम उन्होंने जो एलोकेट किया हुआ है उससे नॉर्मली ज़्यादा जो है वो अलाउड नहीं करते क्योंकि दूसरे लेक्चर्स भी इसके बाद रिकॉर्ड होने होते हैं तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहिए तो होम बेस्ड रिकॉर्डिंग के जरिए आपके साथ शेयर कर दिया करूँगा क्या क्लास में समझते हैं डिस्कशन की ज़रूरत है ठीक है नहीं कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है कि मजीद क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस होने चाहिए इसी टॉपिक के इसके तो इसी के पूछ रहा हूँ क्या पूरे CFAB के पूछ रहा हूँ मैं वो तो जाहिर है हर टॉपिक के एंड में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेकिन आपने इनकी मजीद प्रैक्टिस करते जाना है और जहाँ पे प्रॉब्लम आए व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन भी शेयर करें मैं भी इसके ऊपर मजीद क्वेश्चन के सोल्यूशन बना के रिकॉर्डिंग सलाह आपके साथ शेयर करता रहूँगा चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं अल्लाह हाफिज़